चलो सुनो, तुमको है ना ओल्ड 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 सिलेबस, तुम्हारा ओल्ड सिलेबस, ध्रुव तू ओल्ड सिलेबस में, आर्यन तू ओल्ड सिलेबस में ना, ठीक है? ओल्ड सिलेबस को है ना एक चैप्टर एक्स्ट्रा है, इनको एक चैप्टर कम है न्यू सिलेबस को, बस उतना ही फर्क है, वरना सेम कॉपी पेस्ट है, ठीक है? वो एक चैप्टर का ही फर्क है तुम लोग का, ठीक है? पहला वाला है ना फास्ट ट्रैक मर्जर, आज है ना बहुत इजी वाला करते हैं, ठीक है? चलो सुनो, फास्ट ट्रैक इश्यू, ठीक है? फास्ट ट्रैक ई इश्यू, क्या बोल रही हूँ? फास्ट ट्रैक मर्जर, सेबी में ही हूँ अभी, ठीक है? हूँ मैं फास्ट ट्रैक मर्जर, ठीक है? ये कौन सा चैप्टर है तुम्हारा? एक चैप्टर का डिफरेंस होगा, नंबर में डिफरेंस होगा, ठीक है? तुम्हारा 12 होगा और तुम्हारा 11 है, ठीक है? ये है ना, तुम अगर आज है ना देखेंगे, आज बहुत लाइट करेंगे, आज है ना दिमाग नहीं लगाएंगे थोड़ा, ठीक है? एकदम लाइट 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 करेंगे फास्ट ट्रैक। और एक है क्रॉस बॉर्डर मर्जर, मतलब एक लेक्चर में फास्ट ट्रैक करूंगी, एक लेक्चर में क्रॉस क्रॉस बॉर्डर करूंगी। सिर्फ मेरे को टाइम कब लगेगा, जब भी मैं फर्स्ट चैप्टर करूंगी, फर्स्ट चैप्टर में ना वो बाय बैक है, पर तुमको बाय बैक आता है ना, बाय बैक आता है, फिर टेक ओवर है, टेक ओवर, टेक ओवर हम लोगों ने किया था एग्जीक्यूटिव में, ठीक है? तो वो है। अच्छा, बेसिकली ये सब्जेक्ट में है क्या? ए माते, बेसिकली ये सब्जेक्ट में है क्या? ये सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट यानी कंपनी को कैसे रिस्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है? अभी दो चीज होता है, एक ऑर्गेनिक रिस्ट्रक्चर, जनरली सिर्फ सुन लो, ठीक है? ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है, और ये सब्जेक्ट सच्ची में इंपॉर्टेंट है अगर तुम ये डिपार्टमेंट में गए तो, ठीक है? मर्जर एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट में यू हैव एन ऑप्शन टू गो इन मर्जर एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट, आप जा सकते हो मर्जर एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट में, और सच्ची में स्कोप बहुत अच्छा है। देखो तुम्हारे लिए ना प्रोफेशनल के सब्जेक्ट सच्ची में अच्छे हैं, आईबीसी बहुत अच्छा है, ठीक है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, क्योंकि अगर वो डिपार्टमेंट में गए तो तुमको पूरा आईबीसी काम में आएगा, ठीक है? अगर तुम प्रैक्टिस करने गए तो तुमको ड्राफ्टिंग काम में आएगा, ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग किसका मोबाइल बज रहा है? अच्छा, ड्राफ्टिंग तुमको, ड्राफ्टिंग है ना, ठीक है? तुमको वो ड्राफ्टिंग काम में आएगा, ठीक है? एमडीसीएस तो वैसे भी नकामा सब्जेक्ट था तो निकल गया, ठीक है? हाँ, कॉर्पोरेट फंडिंग तो वैसे ही काम में आएगा क्योंकि सेबी के रेगुलेशन है, लिस्टेड कंपनी में जाओगे तो प्रोफेशनल के सब्जेक्ट्स बहुत प्लान करके बनाए हैं कि जो तुमको प्रैक्टिकली बहुत यूजफुल होंगे। तो हर एक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जीक्यूटिव में ईबीसीएल फालतू था, मतलब ऐसे ऐसे जनरल ऐसा, ठीक है? वरना ये जाके बोल देंगे, ठीक है? बट ईवी मेरे को बता, जुरिस्प्रूडेंस मुझे बताओ क्या सच्ची में काम में आएगा क्या जुरिस्प्रूडेंस तुमको? हाँ, वो इंटरप्रिटेशन, वो वाला सब्जेक्ट, वो वाला टॉपिक अच्छा, बट बाकी वो आईपीसी सीआरपीसी वो क्या काम में आएगा तुमको, ठीक है? नहीं है काम का, बट एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल के प्लान्स बहुत अच्छे, मतलब सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे। और ये वाला सब्जेक्ट है ना, तुमको ऐसा लगेगा तुम सेम 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 चीज रिपीट कर रहे हो। अभी तुम लोगों ने कंपनी लॉ में सेक्शन 230 से 232, 231 कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, क्या था उसमें? अभी कंपनी लॉ में सेक्शन 230, 231, 232 ये सब थे, तुमको 233 डिटेल में नहीं था, 234, 235 वो सब डिटेल में नहीं था। तो अभी हमको ना बस वही चीज को डिटेल में पढ़ना है और प्रोसीजर वाइज पढ़ना है, मतलब अगर मेरे को फास्ट ट्रैक मर्जर करना है तो मेरे को प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ेगा। अभी है ना वापस बोल रही हूँ, आधा घंटा मेरे को शांति से सुन लो, एक बार आधा घंटा सुन लिया ना पूरा चैप्टर हो गया, मतलब ये चैप्टर आधे घंटे का ही है, सिर्फ वो पढ़ लो, फिर बाकी एक बार आधा घंटा खत्म हो गया ना उसके बाद तुम कितना भी मैं क्वेश्चन पूछ लू तुम धड़ाधड़ 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 आंसर कर सकते हो, बस सिर्फ आधा घंटा मेरे को शांति से सुन लो, ठीक है? चलो अभी फास्ट ट्रैक मर्जर तुम्हारा कौन सा चैप्टर है रे? सुनो अभी ध्यान से, ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 233। ये क्या हो रहा है यार, सेक्शन 233, मतलब एक ही सेक्शन याद रखना है पूरे चैप्टर के लिए, एक ही सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 233। यहां तक समझा, समझ रहा है ना? अच्छा, अभी 233 में फास्ट ट्रैक मर्जर दिया है। मैम फास्ट ट्रैक मर्जर का मतलब क्या होगा? अभी सेक्शन 230 से लेके 232 जो है ना वो मर्जर का है, स्लो ट्रैक मर्जर नहीं बोलेगा, मर्जर ही बोलने का, मर्जर का है, मर्जर अमालगमेशन कॉम्प्रोमाइज वो सब है, ठीक है? सेक्शन 230 से लेके 232 तक जो है ना वो मर्जर्स अमालगमेशन और उनके सारे सेक्शन है, वो
वो उनका प्रोसीजर बहुत ज्यादा लंबा है, तुमने पढ़ा नहीं होगा इधर इसके लिए कंपनी लॉ के लिए, बट उसका ना प्रोसीजर बहुत ज्यादा लंबा है। ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ता है, स्कीम्स अप्रूव कराना पड़ता है, अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है, उसको टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। तो वो वाला मर्जर एकदम अलग है, वो बाद में करेंगे हम लोग, नॉर्मल सेक्शन 230 से लेके 232 वाला, ठीक है। हम आज है ना इजी वाला करेंगे, दैट इज फास्ट ट्रैक। अच्छा नाम बोल रहा है फास्ट ट्रैक मर्जर, तो मतलब क्या हो रहा होगा, बहुत सारे प्रोसीजर्स ओमिट है, मतलब इधर ट्रिब्यूनल का अप्रूवल ही नहीं होता है, ठीक है, मतलब ट्रिब्यूनल के पास केस ही नहीं जाता, अंदर अंदर सब आपस में ही सुलटा डालते, तो ये अच्छा है, फास्ट ट्रैक होगा और बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसके लिए उसको क्या बोलेंगे, फास्ट ट्रैक मर्जर। मैम ये हर एक कंपनी को फास्ट ट्रैक मर्जर अलाउड होगा? नहीं, हर एक कंपनी को नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंपनी को होगा बेटा, स्मॉल कंपनीज। अगर दो स्मॉल कंपनीज का मर्जर हो रहा है तो फास्ट ट्रैक मर्जर एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब सपोज भूमि लिमिटेड स्मॉल कंपनी, मोना लिमिटेड, सोनिया लिमिटेड, ठीक है, ठीक है, भूमि लिमिटेड क्या हो गया, स्मॉल कंपनी, ठीक है, सोनिया लिमिटेड स्मॉल कंपनी, अगर ये दोनों स्मॉल कंपनी का मर्जर हो रहा है और बीएस लिमिटेड बन रहा है, ठीक है, तो उसको फास्ट्रैक मर्जर में जा सकता है। क्यों फास्ट्रैक मर्जर में जा सकता है, क्योंकि वो स्मॉल कंपनी से, तो इट इज एप्लीकेबल टू ओनली व्हेन द मर्जर इज बिटवीन टू स्मॉल कंपनीज। एक बिग कंपनी, एक स्मॉल कंपनी भी नहीं चलेगा, दोनों स्मॉल कंपनी होना चाहिए फर्स्ट। और सेकेंड, अगर मर्जर इज बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड होल्ली ओन्ड सब्सिडरी, ठीक है, सब्सिडरी नहीं, होल्ली ओन्ड सब्सिडरी मतलब 100% शेयर कैपिटल किसके पास है, होल्डिंग के पास है। अभी यहाँ पे ये दोनों कंपनी का अगर मर्जर हो रहा है तो भी आप फास्ट ट्रैक मर्जर का ऑप्शन चूज कर सकते हो और सेक्शन 233 में अप्लाई कर सकते हो। बाकी अच्छा, अगर सपोज होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी का हो रहा है तो नहीं, तो 232 में जाना चाहिए। नहीं समझ रहा ना, समझा, कोई डाउट है अभी तक? अच्छा अभी मैम ये पूरे टॉपिक में मतलब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में मर्जर ही क्यों है? अरे क्योंकि उसका काम ही वही है ना, तुम्हारा देखो दो ग्रोथ होता है, एक आपको ग्रो करना है, कंपनी को ग्रो करना है, एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है, एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ होता है। ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब, हाँ मतलब अंदर से, और हम लोग जैसे जैसे सोनिया जब भी बहुत छोटी थी, ऐसे एकदम छोटी थी, तभी तेरे हाथ भी छोटे थे, अभी तेरे हाथ थोड़े बड़े हो गए, ठीक है, उसका नाक भी, सॉरी नाक इधर होता है, सॉरी सॉरी, उसका नाक भी छोटा था, अभी नाक बड़ा हो गया, ठीक है। अरे समझ रहा है ना, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है, अंदर से ग्रोथ होता है, ठीक है। तो एक्सपांशन कर रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, तो ये कौन सा ग्रोथ हो गया, ऑर्गेनिक ग्रोथ हो गया, ठीक है। बट अगर सपोज सोनिया ने शादी कर लिया तो क्या हो गया, नहीं वो तो अमीर होगी, ऑब्वियसली अमीर के साथ ही करना है, ठीक है। सोनिया ने शादी कर लिया मतलब एक्सपेंशन हुआ ना, फैमिली एक्सपांड हुई ना, ठीक है, तो फिर ये कौन सा ग्रोथ हो गया, इनऑर्गेनिक ग्रोथ। मतलब जब भी आप मर्जर्स होते हैं ना, मर्जर्स, एक्विजिशन, टेकओवर्स, ये कौन से ग्रोथ हो गया, इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो ये भी इनऑर्गेनिक ग्रोथ ही है, फास्ट ट्रैक मर्जर इज ऑल्सो इनऑर्गेनिक ग्रोथ, ठीक है। दो स्मॉल कंपनी बना के एक कंपनी बनेगा तो ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक ग्रोथ हुआ ना ये, ठीक है। इवन होल्डिंग कंपनी मर्ज हो गया विद होली ओन सब्सिडरी। अच्छा मुझे बताओ, इस ये दोनों कंपनी, ये वैसे भी स्मॉल कंपनी है, इतना इफेक्ट करेगा नहीं, और ये भी होल्डिंग कंपनी एंड होली ओन सब्सिडरी है, तो दोनों मर्ज होगा एक साथ, तो इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, इतना इफेक्ट नहीं होगा, तो क्यों इनके लिए इतना लंबा लंबा प्रोसीजर करेंगे, फास्ट ट्रैक फटफट करके खत्म कर देंगे। इसके लिए लॉजिक समझा तो अभी मुझे बताओ, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन तुमको है पोर्शन में, बोलो फटाफट, सब आता है तुमको, स्मॉल कंपनी, तुम लोगों ने अभी अभी पढ़ाई किया, स्मॉल कंपनी मतलब जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, मैंने अमेंडमेंट में नहीं डाला है, मैं चेंज करा दूंगी बाद में, पहले देखो, पहले सिर्फ बोर्ड पे देखो आज। हाँ, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल अगर 4 करोड़ या 4 करोड़ से कम है एंड टर्नओवर कितना 40 करोड़, टर्नओवर कितना
40 करोड़ या 40 करोड़ से कम है। अच्छा, ये स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी होनी चाहिए? पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए? क्योंकि स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन ही बोलता है कि वो प्राइवेट कंपनी होना चाहिए, पब्लिक कंपनी नॉट अ पब्लिक कंपनी, ऐसा लिखा होगा। तो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन कैसे स्टार्ट होता है बेटा? नॉट अ पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 4 करोड़, जिसका टर्न ओवर इज लेस देन 40 करोड़। यहां तक समझा? अच्छा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, एक कंडीशन नहीं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक्शन लिमिटेड, ठीक है, मैं बराबर हो लेना, हाँ, एक्शन लिमिटेड का पेड अप शेयर कैपिटल, ध्यान से बोलना, पेड अप शेयर कैपिटल अगर सपोज 2 करोड़ है, ठीक है, एंड टर्न ओवर 19 करोड़ है, बताओ ये स्मॉल कंपनी है या नहीं है? बैल की तरह मत आंसर दो, लिमिटेड लिखा है, लिमिटेड मतलब पब्लिक है, तो ये ऑब्वियसली ये इवन दो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, बट फिर भी ये स्मॉल कंपनी नहीं है। क्यों नहीं स्मॉल कंपनी है? क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है। अच्छा, अगर मैंने आक्षी प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो अभी वो स्मॉल कंपनी हो गया। चलो मान लो ये सपोज 12 करोड़ है, तो ये स्मॉल कंपनी नहीं है, अभी समझा? अच्छा, अभी स्मॉल कंपनी किसी का होल्डिंग कंपनी भी नहीं होना चाहिए, किसी का एसोसिएट कंपनी भी नहीं होना चाहिए, सॉरी माय मिस्टेक, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी नहीं होना चाहिए, सेक्शन 8 कंपनी भी नहीं होना चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 8 कंपनी भी नहीं होना चाहिए, यहां तक समझा? अच्छा, मतलब और ऐसा कंपनी भी नहीं होना चाहिए जिनके लिए स्पेशल एक्ट बने हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो अभी मुझे बताओ यहाँ पे ये 2 करोड़ ही है, 19 करोड़, आक्षी प्राइवेट लिमिटेड होल्ड स्मॉल कंपनी है कि नहीं है? अभी मानते हो स्मॉल कंपनी है, बट अभी मैं चेंज करती हूँ, सुनो, आक्षी प्राइवेट लिमिटेड अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, किसकी? बी प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है, तो मुझे बताओ अभी आक्षी अभी भी स्मॉल कंपनी है? आंसर इज नो, क्योंकि वो किसी की होल्डिंग कंपनी भी नहीं होनी चाहिए, किसी की सब इन शॉर्ट इंडिपेंडेंट कंपनी होना चाहिए, तो ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएगा। अभी समझा? कोई डाउट है तो बोलो। अरे बोलो, पक्का समझा? नहीं, हाँ बोल। हाँ, मतलब तू ऐसा बोल रही ना, पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ और टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़ ऐसा लिखा हुआ है, वो बोल रही है ना मेरे को? हाँ, वो सुनो, वो क्या है वो मैं बता, तेरे को पता है, बोलना। करेक्ट, वो क्या है बेटा, पता है? अभी गवर्नमेंट ने देख पेड अप शेयर कैपिटल को 4 करोड़ कर दिया है, बराबर, अभी वो चाहे तो गवर्नमेंट बढ़ा सकता है, मैक्सिमम अपर सीलिंग लिमिट है, अपर सीलिंग लिमिट का मतलब वो मैक्सिमम 4 करोड़ का, फिलहाल तो 4 करोड़ ही चल रहा है, बट मैक्सिमम कितना कर सकता है वो? 8 करोड़ कर सकता है, 9 करोड़ कर सकता है, 10 करोड़ कर सकता है, मतलब ये गवर्नमेंट जब चाहे ये पेड अप शेयर कैपिटल को चेंज कर सकता है फ्रॉम 4 करोड़ टू मैक्सिमम 10 करोड़ तक चेंज कर सकता है। सेम वे टर्नओवर आज 40 करोड़ है, अभी तो फिलहाल 40 करोड़ ही चल रहा है, बट गवर्नमेंट जब चाहे तभी उसको चेंज कर सकता है अप टू 100 करोड़, तो ये अपर सीलिंग लिमिट है, ठीक है, उसके बाद मतलब गवर्नमेंट इसके बाद बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं कर सकता है। बट मैम, अगर मेरे को कंपेयर करना है आज की डेट में, तो आज की डेट में मैं टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल को 4 करोड़ और 40 करोड़ के साथ ही कंपेयर करूंगी, बाद में गवर्नमेंट चाहे तो उसको इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। पहले देखा, अगर तुम मानेगी ना, जब स्मॉल कंपनी सबसे पहले आया था तभी 50 लाख था, ठीक है, 50 लाख का इन लोगों ने फिर 2 करोड़ किया, 2 करोड़ का अभी उन लोगों ने 4 करोड़ किया, अभी तेरे को क्या पता नेक्स्ट ईयर 4 करोड़ का 8 करोड़ कर दे, 8 करोड़ का 10 करोड़ कर दे, 10 करोड़ से ऊपर गवर्नमेंट वो चेंज नहीं कर सकती है, तो वो गवर्नमेंट के लिए लिमिट दिया 10 करोड़ का, अपने लिए लिमिट नहीं दिया, अपने लिए लिमिट 4 एंड 40 है और गवर्नमेंट के लिए लिमिट 10 एंड 100 है। अच्छा, अभी बता बेटा, समझा? समझा,
हाँ समझा, तो स्मॉल कंपनी समझा ना। अच्छा वो प्लीज याद रखो, वो किसी का होल्डिंग कंपनी नहीं हो सकता, किसी का सब्सिडरी नहीं हो सकता। देखो या मतलब वो इंडिपेंडेंट कंपनी होना चाहिए, वो सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकता, वो ऐसा कंपनी नहीं हो सकता जिनके लिए स्पेशल एक्ट बने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ICAI मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट बना हुआ है 1949, तो वो ऐसे वाले कंपनीज नहीं हो सकते जिसके लिए स्पेशल एक्ट बने हैं। नहीं समझ रहा ना, पूरा समझा? तो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन हो गया मेरा, मैंने दिया हुआ है, मैं बताती हूँ, मैं मार्किंग करा दूंगी लास्ट में, बट यहां तक समझा? अच्छा अभी स्मॉल कंपनी और स्मॉल कंपनी अज्यूम करो बी, सॉरी यहाँ पे बी प्राइवेट लिमिटेड आएगा ना, अभी बी प्राइवेट लिमिटेड एंड एस प्राइवेट लिमिटेड, क्यों ये दोनों कौन सी कंपनी हो गए? स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी हो गया तो नहीं, हाँ नहीं नहीं तो मर्ज कर सकते हैं। अच्छा 230 232 वाले में मर्ज करने का कि 233 में कर सकते हैं? हाँ मतलब उनको ऑप्शन है, ऐसा नहीं है, ऑप्शन है। 232 में भी कर सकते हैं, चाहे तो 233 में भी कर सकते हैं। अच्छा सेम वे होल्डिंग कंपनी एंड होल्डिंग ओन सब्सिडरी किस में कर सकते हैं? इसमें भी कर सकते हैं, बट मोस्टली वो लोग प्रेफर क्या करेंगे? 233। लॉजिक क्या है बेटा? फास्ट ट्रैक है। अभी कैसे करते हैं, मर्जर करते कैसे, प्रोसीजर अभी शांति से सिर्फ प्रोसीजर सुनो। सबसे पहले ना एक आपको नोटिस बनता है, ठीक है? सबसे पहले एक नोटिस बनेगा, ठीक है? पूरा स्कीम ड्राफ्ट होगा, ठीक है? यहाँ पे कौन स्कीम ड्राफ्ट करेगा? अच्छा चलो इधर है ना, एक कंपनी ट्रांसफरर कंपनी हो जाएगी, एक कंपनी ट्रांसफररी कंपनी हो जाएगी, ठीक है? इधर 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 कैसा हो जाएगा ना, बी प्राइवेट लिमिटेड एंड एस प्राइवेट लिमिटेड दोनों ट्रांसफरर हो जाएंगे, ठीक है? एंड बी एस प्राइवेट लिमिटेड कौन सा हो जाएगा? ट्रांसफररी कंपनी हो जाएगा, ऐसा समझा? कभी कभी ऐसे भी होता है, कभी कभी क्या हो जाता है ना, बी प्राइवेट लिमिटेड एस प्राइवेट लिमिटेड दोनों के बीच में मर्ज हो रहे हैं, मर्ज होके क्या हो रहा है ना, ये कंपनी एक्सटिंग्विश हो रहा है एस प्राइवेट लिमिटेड, और सिर्फ एक प्राइवेट लिमिटेड अभी जैसा है वैसा ही रह रहा है, और ये और बड़ा कंपनी बन जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो गया ना, एस प्राइवेट लिमिटेड जो हो गया ना वो कौन सा हो गया? ट्रांसफरर कंपनी हो गया, एंड बी प्राइवेट लिमिटेड कौन सी कंपनी हो गई? ट्रांसफररी हो गई। ऐसे भी हो सकता है, नहीं समझ रहा है ना? नहीं समझा सोनिया? पक्का समझा? मर्जर अमालगमेशन इसको बोलते हैं, उसमें भी बहुत सारे वेराइटीज है, जब आऊंगी ना 230 में तभी मैं बताऊंगी, बट अभी के लिए समझा ना ट्रांसफरर और ट्रांसफररी को क्या क्या बोलते हैं। अच्छा अभी यहाँ पे क्या करने का, सबसे पहले एक नोटिस ड्राफ्ट करने का, और वो सबसे पहले आपको फाइल करने का दो जन के पास, एक होगा ROC के पास फाइल करोगे, और एक होगा ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास फाइल करोगे। दो जन के पास, एक ROC एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर, दो जन के पास आपने फाइल कर लिया। अच्छा मैम क्यों फाइल करते हैं? क्योंकि अगर उनको कुछ ऑब्जेक्शन लेना है, ऑब्जेक्शन लेना है तो वो लोग क्या ले सकते हैं? ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, समझ रहा है ना? अगर उनको नहीं चाहिए कि बी एंड एस साथ में मिले, तो अगर उनको ऑब्जेक्शन लेना है तो वो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है ना, ये लोगों ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया होगा, मतलब सोनिया और भूमि ने क्या पास किया होगा? बोर्ड रेजोल्यूशन। तूने अपनी कंपनी में पास किया होगा, तूने अपनी कंपनी में, मान लो ये तेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये तेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तूने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, तूने भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया। जैसे ही बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है विद इन 30 डेज ये नोटिस पहुंच जाना चाहिए, किधर पहुंच जाना चाहिए? विद इन 30 डेज ROC के पास पहुंच जाना चाहिए, एंड ROC के साथ साथ ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास भी पहुंचना चाहिए। पहुंच गया, ठीक है? पहुंच के क्या हो जाएगा, इधर अगर उनको ऑब्जेक्शन लेना है तो वो ऑब्जेक्शन ले सकते, अगर लेना है तो। चलो मान लो उन्होंने थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन लिया, तो ऑब्जेक्शन का एक लेटर भेजा होगा ना, किसको भेजा होगा? ट्रांसफरर कंपनी को भेजा होगा, एंड ट्रांसफररी कंपनी को वो ऑब्जेक्शन के लेटर भेजोगे। अभी क्या करने का, इनको है ना, अच्छा ये जो नोटिस भेजते हैं ना, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, और वो फॉर्मेट है CAA9। इसका फॉर्म मिल जाएगा तुम लोग को, ठीक है? गूगल पे सर्च करोगे ना, तुमको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्म भर डाउनलोड करना है, वो फॉर्म लेना है, और ये नोटिस का स्कीम जो है ना वो अटैच करना है, ड्राफ्ट करना है, और वो फॉर्म उसके साथ कवरिंग लेटर बनेगा। अभी समझा? अरे नहीं समझा? ये कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट है, CAA बोलते हैं ना इसके लिए, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। कौन सा नंबर है? फॉर्म नंबर 9, CA9।
ठीक है, तो ये किया, ये किसको दे दिया, आरओसी एंड ओएल को. ओएल बोले तो ऑफिशियल लिक्विडेटर, वो क्यों करेगा, ऑब्जेक्शन करेगा, सॉरी नहीं, वो उनकी मर्जी है. ठीक है, ये समझा. अच्छा, ट्रांसफरर हो गया, अभी ट्रांसफरी हो गया. अच्छा, अभी ये उनको ऑब्जेक्शन दे देगा, ट्रांसफर कंपनी को बता देगा, ट्रांसफरी कंपनी को मिलेगा. चलो अज्यूम करो भूमि तेरे पास ऑब्जेक्शन आया, तेरे पास भी वही सेम ऑब्जेक्शन आया होगा. अभी तेरे को क्या करना पड़ेगा, तेरे को है ना एक मेंबर्स का मीटिंग बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मेंबर्स को पूछना तो पड़ेगा ना हम लोग करें कि नहीं करें. ठीक है, तो किसका मीटिंग बुलाओगे, मेंबर्स का, दोनों कंपनी को बुलाने का, मतलब भूमि को भी बुलाने का एंड सोनिया को भी मेंबर्स का मीटिंग बुलाना चाहिए, दोनों जन को मेंबर्स का मीटिंग होना चाहिए. अभी मेंबर्स का मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करोगे कि बस हम लोग को दोनों को क्या होना है, मर्ज होना है. कितने परसेंटेज होना चाहिए, 90%. कितने परसेंट को अग्री करना चाहिए, 90% को अग्री करना चाहिए. क्या अग्री करना चाहिए, कि ये मर्जर करने को हम लोग अलाउ कर रहे. यहां तक हो गया. अच्छा, और फिर यहाँ पे तुम लोगों ने जो ये CA9 भरा ना, उसके साथ साथ एक और फॉर्म भरना पड़ता है, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट. ठीक है, ये हम लोग बायबैक में भरते थे. सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मतलब हमारी कंपनी अभी भी सॉल्वेंट है, इनसॉल्वेंट नहीं होगी करके, फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर. याद आ रहा है ना ये, तो ये सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भर दो. इसके लिए अलग से फॉर्म मिलेगा, CA10. इधर सेम मिलेगा, CA9 के बाद 10, तो ये 10 सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भी इधर जाएगा. ये तो सिर्फ रिकॉर्ड के लिए रहता है. और ये नोटिस के ऊपर क्या आता है, ऑब्जेक्शंस आते हैं, वो ऑब्जेक्शन आपको मेंबर को दिखाना पड़ेगा. ठीक है, फिर मेंबर वो ऑब्जेक्शन देखेगा, वो स्कीम देखेगा, ड्राफ्ट देखेगा, सब करेगा, और फिर क्या करेगा, रेजोल्यूशन पास कर देगा. अप्रूव हो गया, कितने जन को अप्रूव करने का. अच्छा, नेक्स्ट दूसरा मीटिंग होना चाहिए तुम्हारे क्रेडिटर्स का. ठीक है, क्रेडिटर्स का मीटिंग में आपको मेजॉरिटी ऑफ द शेयर, मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिटर्स को हाँ बोलना चाहिए. किसको हाँ बोलना चाहिए, मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी मतलब अगर 10 जन होंगे तो मोर देन 50%, मतलब 6 जन को हाँ बोलने का. सिर्फ ये मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है, और भी है वहां पे. 9/10 को भी हाँ बोलना पड़ेगा. देखो वहां पे लिखा होगा कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा होगा, मेजॉरिटी एंड 90 पॉइंट होगा. चलो वो मैं एक काम करती हूँ, साथ में मार्किंग करते हैं, सिर्फ इतना पहले सुन लो. 9/10 ऑफ द मेजॉरिटी को भी हाँ, मतलब दोनों जन होना चाहिए. सुनो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. मेजॉरिटी मतलब अगर 10 जन प्रेजेंट है तो कितने जन को हाँ बोलना चाहिए, 6 जन को हाँ बोलना चाहिए. अभी ये 6 जन में दे आर होल्डिंग 9/10 ऑफ द शेयर कैपिटल. नहीं समझा, समझा तो अब चाहिए तो पढ़ो, अभी डी पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है. द स्कीम शैल बी अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी रिप्रेजेंटिंग 9/10 इन द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स. 9/10 इन द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स, 9/10 इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स मतलब मान लो सपोज देखो 10 जन है, ए बी सी डी, वैसे 10 जन होंगे. ठीक है, अभी 6 जन ने हाँ बोल दिया, टोटल वैल्यू है ना 1 लाख है. टोटल क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना है, 1 लाख. 1 लाख का 9/10 कितना हो गया, 90,000 हो गया. ठीक है, तो ये 6 जन का टोटल अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रेडिट कितना, 90,000 होना चाहिए. नहीं समझा ना ये पॉइंट, पक्का समझा. तो ए के पास अगर 20,000 है, बी के पास अगर 20,000 है, वैसे सी के पास अगर 20,000 है, तो 60 तो इधर ही हो गया. ठीक है, डी के पास अगर सपोज 10,000 है तो कितना हो गया, 70. ई के पास अगर 5,000 है कितना हो गया, 75. और एफ के पास अगर 5,000 है तो कितना हो गया, 80. और जी एच आई जे के, अभी ध्यान से सुनने का, अभी मुझे बताओ अगर ए बी सी डी ई एफ ने बोल दिया, मतलब 6 जन ने बोला आउट ऑफ 10, तो मुझे बताओ रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ. क्यों रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, क्योंकि मेजॉरिटी हो गया इधर बट 9/10 नहीं हुआ, क्योंकि ये कितना हुआ, सिर्फ 80,000 हुआ वैल्यू. समझ रहा है ना, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. कौन से दोनों कंडीशन बेटा, एक तो मेजॉरिटी भी होना चाहिए प्लस 9/10 ऑफ द वैल्यू भी होना चाहिए. अच्छा अभी मुझे बताओ, सपोज ये टोटल 1 लाख है, टोटल 1 लाख है और इधर 80,000 है, इधर 80,000 है और बी तक जन ने हाँ बोला है, मतलब ए एंड बी ने हाँ बोला है, बाकी सबने हाँ नहीं बोला, मतलब 10 में से सिर्फ 2 जन ने हाँ बोला है और बाकी 8 जन ने मना किया है, और ये 10,000 है,
80,000 प्लस 10,000 कितना हो गया 90,000, तो रेजोल्यूशन पास हो गया। हाँ, तो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। क्यों रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ? क्योंकि इधर अभी मेजोरिटी नहीं हुआ। नहीं समझा ना? पक्का समझा? तो यहाँ पे मेजोरिटी एंड 9/10 होना चाहिए। दोनों समझ रहा है? कोई डाउट है अभी तक तो बोलो। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? नोटिस, नोटिस भेज दिया, ठीक है। और सेकेंड, अच्छा नोटिस किसको भेजा वो भी इम्पोर्टेंट है बेटा। आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर को भेजा। फिर वो लोग क्या देगा तुमको? ऑब्जेक्शन देगा। क्या ऑब्जेक्शन? या मतलब हमको ये प्रॉब्लम है, या सजेशन भी दे सकता है, ठीक है। फिर वो सजेशन ऑब्जेक्शन तेरे पास आ गया, तेरे पास भी आ गया। अभी तुम दोनों क्या करोगे? मेंबर्स का, तुम दोनों को करने का मेंबर्स का मीटिंग बुलाओगे, फिर अप्रूवल ले लोगे मेंबर्स का। उधर तो बहुत इजी है, कितना परसेंट? 90%, वो बहुत इजी है। फिर कौन सा मीटिंग होगा? क्रेडिटर्स का मीटिंग बनाओगे। क्रेडिटर्स में मेजोरिटी एंड 9/10 दोनों चाहिए। अच्छा, अभी उसके साथ साथ जब ये नोटिस भेजते हो, उसके साथ साथ सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भी आपको फाइल करना पड़ेगा। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में होगा? CA-10। यहां तक हो गया? चलो, वेरी गुड, हो गया, तेरा सारे अप्रूवल हो गए। अभी खुश? अप्रूवल तो हो गए, अभी क्या करोगे? ये जो भी अप्रूवल आए वो वापस फाइल करोगे। वापस फाइल करोगे, कहां फाइल करोगे? जो भी अप्रूवल्स होंगे ना, तीन जगह फाइल करना होता है, ठीक है। एक तो आरओसी फिक्स रहेगा, एक ऑफिशियल लिक्विडेटर फिक्स रहेगा, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा इधर, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथोरिटी रीजनल डायरेक्टर को दे दिया अभी, ठीक है। मतलब दे हैव डेलीगेटेड द ऑथोरिटी टू रीजनल डायरेक्टर। तो मैम लिखने के लिए क्या लिखने का? सेंट्रल गवर्नमेंट। लिखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही लिखने का, क्योंकि वो ऑथोरिटी किसको डेलीगेट हो गया? रीजनल डायरेक्टर। बट लॉ में अभी भी क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है। अभी तक समझ रहा है कि नहीं समझा? डाउट है? हाँ बोल। वो भी मर्जर अमालगमेशन है, अलग अलग टाइप्स है मर्जर्स अमालगमेशन की। यहाँ पे क्या होता है ना, दो ट्रांसफरर कंपनी हट गए और नया कंपनी फॉर्म हो गया। यहाँ पे एक कंपनी एक दूसरी कंपनी में समा गया, समा गया। दोनों को जाएगा? अरे सब दोनों जगह ट्रांसफरर ट्रांसफर ही होगा ना बेटा। किधर? ये वाले में ये दोनों ट्रांसफरर हो गए ना। हाँ, मतलब कैसे जाए? हाँ हाँ हाँ, वो दोनों ऐसे ऐसे जाएगा, बी को जाएगा एंड एस को जाएगा। फिलहाल तो वही जाएगा ना, फिर नया कंपनी फॉर्म होगा। हाँ नहीं, इधर इधर से बी एंड एस को ही जाएगा। हाँ समझा? वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा जब ये होगा तो, बट यहां तक समझा? अच्छा ठीक है, तो अभी क्या होगा सुनो ध्यान से। अभी अगर आरओसी एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर अभी बोल गए ठीक है, जो जो हमने बोला था वो सब सजेशन सुन लिया इन लोगों ने, ऑब्जेक्शन जो मैंने लिया था वो क्लियर आउट हो गया, तो इनको और कोई ऑब्जेक्शन अभी है नहीं, तो ये लोग परमिशन दे देंगे। अगर ये दोनों ने परमिशन दे दिया, मतलब ये दोनों ने ऑब्जेक्शन उठाया नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तेरे को परमिशन दे देगा फास्टैग मर्जर का। और हो गया मर्जर, कुछ करने की जरूरत नहीं, हो गया मर्जर। समझ रहा है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब अभी रीजनल डायरेक्टर। मतलब अगर इन दोनों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, अगर इन दोनों ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं, अच्छा ये ऑब्जेक्शन का टाइम लिमिट है, इनको 30 डेज में ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। अभी जो देना पड़ेगा वो कितने दिन में? 30 डेज में ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। अगर ये दोनों ने ऑब्जेक्शन नहीं दिया तो कुछ नहीं, अप्रूवल मिल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल कर देगा, आरओसी को इन्फॉर्म कर देगा कि इन दोनों का अभी मर्जर हो गया है, और नया सर्टिफिकेट आरओसी इश्यू करके देगा। कुछ टेंशन नहीं है अगर ये दोनों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो। बट अगर ये दोनों ने ऑब्जेक्शन किया, मतलब ऐसा कांडी लगाया ना इन लोगों ने, ठीक है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से नहीं करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट राह देखेगा ऑब्जेक्शन आ रहा है कि ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा। अगर आ रहा है
तो ही सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है. अगर नहीं आ रहा तो वो खुद से सू मोटो बेसिस पे ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता है. समझ नहीं समझ रहा है तुमको यार, समझा ना? तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है बोलो. अगर ऑब्जेक्शन नहीं आया, सपोज मान लो तू भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है, नहीं तू तू ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड आरओसी है, अभी तेरे को ऑब्जेक्शन उठाना है कि नहीं उठाना है? उठा देखा, ठीक है, ऑब्जेक्शन उठाना है. अच्छा, अगर सपोज ये बोलता था नहीं नहीं उठाना है, तो ये किसको बोलता था? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता था? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या करूंगी, आरओसी को बता दूंगी ना, आरओसी को क्या बता दूंगी कि ये अप्रूव हो गया है, इनको अभी रजिस्टर कर दो, नया कंपनी रजिस्टर हो जाएगा और नया कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू करके दे दो, कुछ नहीं. बट इसने क्या बोला? इसने हाँ नहीं बोला. इसने क्या बोला? ऑब्जेक्शन उठाया. ये किसको बोलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट बोला नहीं, मेरे आरओसी ने बोला ना, खत्म. उसने बोल दिया ना, खत्म. अभी वो थोड़ा बहुत चेक करेगा और वो केस किसको दे देगा? ट्रिब्यूनल को देगा, ठीक है? तो मैं अभी अभी पूरा ट्रू ट्रिब्यूनल है, तो मैं केस किसको दूंगी? ट्रिब्यूनल को दे दूंगी. ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल ले लो केस, ठीक है? अभी तुम मर्जर एंड अमालगमेशन कराओ अंडर सेक्शन 230 एंड 232. मतलब अभी इधर फास्ट ट्रैक मर्जर पॉसिबल नहीं होगा, फिर वापस वही प्रोसीजर करना पड़ेगा, लंबा चौड़ा जो प्रोसीजर है ना वो वापस करना पड़ेगा. समझा कि नहीं समझा? फिर ट्रिब्यूनल है ना, अगर सपोज ट्रिब्यूनल बोला ठीक है 230 और तुम लोगों ने सब वो लंबा चौड़ा प्रोसीजर कर दिया, तो हो गया. फिर वापस तू आरओसी को बता देगी, आरओसी है ना इधर, बता उसको कि मर्जर हो गया है, कर दो. समझा? अभी ये ट्रिब्यूनल के थ्रू हुआ, समझा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नहीं हुआ. अभी बताओ, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, बोलो. जाएगा ना, ऑब्वियसली जाएगा, उनको बताएगा ना. अच्छा, अभी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट फिर ये केस किसको देगा? ऑब्जेक्शन हुआ है तो किसको देगा? ट्रिब्यूनल को. उसके लिए 60 डेज है. हाँ, बट अभी 60 डेज है ना, नहीं नहीं रुक जा, मैं वही बोलती हूँ. 60 डेज फ्रॉम विच डेट? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन. रुको अभी वापस, मतलब इन शॉर्ट 30 डेज ही है, समझ रहा है? देखो, अभी यहाँ पे कंपनी ने सबमिट किया, किसको सबमिट किया? आरओसी को सबमिट किया, ऑफिशियल लिक्विडेटर को सबमिट किया एंड सीजी को सबमिट किया, तीन जन को सबमिट किया. इधर से कितने दिन में ऑब्जेक्शन आएगा? इधर से कितने दिन में ऑब्जेक्शन आएगा? 30 डेज में ऑब्जेक्शन आएगा. अरे नहीं समझा, 30 डेज में ऑब्जेक्शन आएगा, ठीक है. अच्छा, फिर सीजी क्या करेगा? सीजी रिफर करेगा, किसको रिफर करेगा? ट्रिब्यूनल को. विद इन हाउ मेनी डेज? 60 डेज, करेक्ट. विद इन हाउ मेनी डेज? 60 डेज. तो यहां से 60 डेज नहीं गिनने का, 60 डेज वापस इधर से गिनना होता है, समझ रहा ना? तो ये किसको रिफर करेगा? ट्रिब्यूनल को रिफर करेगा. विद इन हाउ मेनी डेज? 60 डेज. तो 60 डेज कहां से रेफर करोगे? यहां से 60 डेज करोगे. इन शॉर्ट 30 डेज तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ कितना देना है? 30 डेज. नहीं समझा ना बेटा? किसी को डाउट है, किसी को क्वेश्चन है, बोलो. पूरा प्रोसीजर समझा? हर एक पॉइंट समझा? ठीक है, तो एक काम करो, फटाफट एक एक पूरा ये पेज पढ़ो, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं. फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, मार्किंग करते जाओ. फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है. फर्स्ट पॉइंट वो सेक्शन 232 वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो छोड़ दो. ए पॉइंट से पढ़ो, द नोटिस आपको किसको देना है फॉर ऑब्जेक्शन एंड सजेशन? अंडरलाइन करो, आरओसी एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर को देना है, ठीक है? विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज. देखो लास्ट में लिखा होगा विद इन 30 डेज, इश्यूड बाय द ट्रांसफरर कंपनी और कंपनीज ऑन द ट्रांसफरर कंपनी और कंपनीज एंड द ट्रांसफर री कंपनी. समझा ये पॉइंट? अच्छा, कौन से फॉर्म में ये नोटिस भर के देना पड़ेगा? CA9. चाहिए तो बाजू में लिख सकते हो. लिखोगे? लिखा CA9, वेरी गुड. फिर बी पॉइंट एक्सप्लेन करो क्या लिखा हुआ है. ऑब्जेक्शन एंड सजेशन रिसीव्ड आर कंसीडर्ड बाय द कंपनी इन देयर रिस्पेक्टिव जनरल मीटिंग. मतलब किसका जनरल मीटिंग होगा? मेंबर्स का जनरल मीटिंग होगा. यहां तक समझा? जिसमें एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स वाले को हाँ बोलना चाहिए. ये समझा? इधर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इधर सिर्फ 90% दिया है, ठीक है? उसके बाद ईच कंपनी इन्वॉल्व इन द मर्जर शैल फाइल द डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी. कौन से फॉर्म में देना पड़ेगा बेटा? CA10. तो वहां पे लिखोगे CA10, ठीक है? फिर कौन सा मीटिंग बुलाओगे? भूमि
एंड सोनिया क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स की मीटिंग में कितना होना चाहिए? मेजोरिटी, अंडरलाइन करो, मेजोरिटी रिप्रेजेंटिंग 9/10 ऑफ द क्रेडिटर और द क्लास ऑफ द क्रेडिटर. यहां तक समझा? मतलब मेरा फर्स्ट पॉइंट पूरा हो गया, ये सब अप्रूवल हो गया. चलो अप्रूवल होने के बाद क्या होगा, जल्दी बोलो. अप्रूवल होने के बाद ये वापस अप्रूवल्स मिल गए ना, तो अभी सबमिट कर दो. किसको सबमिट करोगे? तीन जन को. कौन से तीन जन को? आरओसी, ऑफिशियल, लिक्विडेटर एंड सीए. 11 टेन तक हो गया था ना अपना, तो कौन सा हो गया? सीए 11 एंड जीएनएल 1. मतलब दो फॉर्म भर के देना पड़ेगा, एक सीए 11 एंड जीएनएल 1 फॉर्म. जी जनरल वाला, हाँ, जीएनएल 1, जीएनएल, जी फॉर गोट, एन फॉर नम्रता, एल फॉर लायन, हो गया ठीक है. 1 ठीक है. ये दो जो फॉर्म, मतलब दो फॉर्म भर के देने पड़ेंगे. ठीक है, हो गया. किसको भर के देना पड़ेगा वो नहीं बोला तुमने? आरओसी, ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड, तो वही हो गया, देखो लिखा हुआ है. ठीक है, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने सीजी लिखा हुआ है, बट सीजी की जगह पे प्रैक्टिकल लाइफ में किसको दोगे? आरडी. नहीं लिखा? लिखा ना. अच्छा उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है? ठीक है, थर्ड पॉइंट. अच्छा मान लो दे दिया, अभी क्या? अभी उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो अप्रूव हो जाएगा. अप्रूव हो जाएगा तो किसको बता देंगे? सीजी, आरओ, हाँ ट्रांसफर, ट्रांसफर के दो, बट आरओसी को भी बता देंगे ना कि उनका अभी ये अमालगमेशन रजिस्टर कर दो. तो सी, थर्ड पॉइंट देखो, ऑन रिसीप्ट ऑफ द स्कीम द रजिस्टर और ऑफिशियल लिक्विडेटर हैज नो ऑब्जेक्शन. तो अंडरलाइन क्या करोगे बेटा? नो ऑब्जेक्शन और सजेशन ऑफ द स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल रजिस्टर द सेम एंड इश्यू द कंफर्मेशन देयर ऑफ टू द कंपनी. रजिस्टर करेगा और इन्फॉर्म कर देगा और कंफर्मेशन कंपनी को दे देगा. इसमें कोई डाउट है? हाँ, मतलब वो क्यों बोलेगा? उसको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है तो वो तो अज्यूम्ड है. अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो ऑटोमेटिक हो गया. समझा? थ्री वाला समझा? मतलब तीन स्टेप में तो मर्जर नहीं समझा? तीन स्टेप में तो अप्रूवल हो गया. अगर पर आरओसी ने अडोड़ाई किया, होता है ना, देखो उसने अडोड़ाई किया था ना, इसे क्या किया था? ऑब्जेक्शन उठाया था. तो ये किसको बता देगा? सीजी को. कितने दिन में बता देगा? 30 days. करेक्ट. तो नीचे देखो, नेक्स्ट पॉइंट होगा फोर्थ पॉइंट. इधर रजिस्टर ऑफिशियल हैज एन, ही मे कम्युनिकेट इन राइटिंग टू सीजी विद इन द पीरियड ऑफ 30 days. ठीक है. ए अच्छा, अगर आरओसी ने भी बोला नहीं तो? वो नीचे लिखा है, अगर आरओसी ने कुछ भी नहीं बोला, प्रोवाइडेड दैट इफ आरओसी ने कुछ भी नहीं बोला तो अज्यूम करो के नो ऑब्जेक्शन इज रिसीव्ड. ओके नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट. अच्छा फिर ऑब्जेक्शन उठा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सटक जाएगी. सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं नहीं मेरे आरओसी ने बोला है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? ये केस रिफर कर देगा. किसको रिफर करेगा? ट्रिब्यूनल को. कितने दिन में रिफर करेगा? विद इन 60 days. बट 60 days फ्रॉम विच डेट? फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिट. नहीं समझा? तो देखो वहां पे लिखा है, फिफ्थ पॉइंट देखो क्या लिखा है. इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर रिसीविंग द ऑब्जेक्शन और सजेशन और एनी इधर रीजन ऑफ द ओपिनियन दैट सच स्कीम इज नॉट इन अ पब्लिक इंटरेस्ट और इन द रिस्ट्रिक्ट ऑफ क्रेडिटर्स, इट मे फाइल द एप्लीकेशन बिफोर ट्रिब्यूनल विदिन द पीरियड ऑफ 60 days. बट 60 days देखो कहां से लिखा हुआ है? फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द स्कीम. मतलब उसको जब ही स्कीम मिला, उसको स्कीम तो पहले ही मिल गया था. ठीक है, उधर से काउंट कितना करोगे? 60 days. बताओ यार कोई. अच्छा यहां तक समझा? अभी ट्रिब्यूनल क्या करेगा बताओ? ए टू ट्रिब्यूनल थी ना, तो क्या करेगी? सब कुछ चेक करेगी. हाँ, अगर तेरे को लगता है कि 233 में नहीं होना चाहिए तो फिर नॉर्मल प्रोसीजर में चली जाएगी. नॉर्मल प्रोसीजर मतलब 232 में चली जाएगी. उसमें चली जा, उन लोगों को बुला, उनको ऑब्वियसली जो प्रोसीजर कराना था वो करा दे और फिर आरओसी को इन्फॉर्म कर दे कि हम लोगों ने उनका मर्जर अलाउ कर दिया है. ठीक है, तो फिफ्थ हो गया ना. मेरे को बताओ पांच पॉइंट में कोई डिफिकल्टी है? रुक जा मेरे को पढ़ने दे. पांच पॉइंट में अभी तक कोई डिफिकल्टी है? अच्छा बोल ही दे, चल. नहीं फिर वो 232 में ही होगा.
नहीं ट्रिब्यूनल के पास चला गया मतलब तू सेंट्रल गवर्नमेंट को बेवकूफ समझती है? हाँ तो वही हुआ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने टाइम पास के लिए ट्रिब्यूनल में दिया होगा। अरे बट वो कुछ तो दिमाग लगा के किया होगा ना, मतलब तो आरओसी को बेवकूफ समझते हैं, मतलब किसी को तो बेवकूफ समझती है। नहीं ना ऐसा नहीं होता ना, एक बार ट्रिब्यूनल में जाता है ना तो मतलब 230 से 232 वाला ही एप्लीकेबल हो जाएगा, एक बार ट्रिब्यूनल में जाएगा मोस्टली। फिर फास्ट ट्रैक फिर अलाउ ही नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा है, 6 ऑन द रिसीप्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी पर्सन इफ द ट्रिब्यूनल, ये 6 पॉइंट, मतलब अभी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैंने किसको दिया, ट्रिब्यूनल को, क्या किया ट्रिब्यूनल ने, देखो रीजन इन राइटिंग इज ऑफ द ओपिनियन दैट द स्कीम शुड बी कंसिडर्ड एज पर द सेक्शन लेड डाउन इन 232, मतलब नॉर्मल, तो फिर क्या करेगा, द ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट अकॉर्डिंगली एंड में कंफर्म द स्कीम बाय पासिंग द ऑर्डर एट इट मे डेम फिट सो, मतलब ट्रिब्यूनल ने वो पास कर देगा ऑर्डर, बट तुमको पूरा प्रोसीजर वापस करना पड़ेगा सोनिया भूमि, तुमको पूरा प्रोसीजर वापस 230 से लेके 230 वाला प्रोसीजर वापस करना पड़ेगा, और फिर हो जाएगा, फिर किसको इन्फॉर्म करेगी बेटा तू, आरओसी को। तो देखो वही लिखा हुआ है, अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 6, मतलब ऑर्डर किसने दिया है ये, ट्रिब्यूनल ने, ऑर्डर किसने, वहां पे एंड हुआ ना, तो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया अंडर सबसेक्शन 6 मतलब ट्रिब्यूनल, ये नहीं समझ रहा है, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया, अभी ट्रिब्यूनल ने क्या किया, आरओसी को इन्फॉर्म किया, तो करना आरओसी को इन्फॉर्म, शैल बी कम्युनिकेटेड टू रजिस्टर हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर द ट्रांसफरी कंपनी एंड द पर्सन कंसर्न एंड द रजिस्टर शैल रजिस्टर द स्कीम एंड कंफर्मेशन। इतना सब डिटेल में नहीं लिखा तो चलेगा, सिर्फ इतना लिखो, ट्रिब्यूनल विल इन्फॉर्म द आरओसी ऑफ विच कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी एंड अकॉर्डिंगली ही विल रजिस्टर द सेम, समझा। चलो और फिर ट्रांसफरी कंपनी को नया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू करके देगा ना, नहीं समझा ना बेटा, समझा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर रजिस्ट्रेशन और स्कीम हो गया है, सुनो अभी ध्यान से, दो मेथड से रजिस्ट्रेशन हो गया, या तो नहीं नहीं 233 में हुआ, हाँ अगर 233 में हुआ है तो कौन सा सब रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा, मतलब कौन सा सबसेक्शन एप्लीकेबल होगा, मैंने बोला था ना इतने स्टेप में तो खत्म ही हो गया, थर्ड, करेक्ट, थर्ड, ठीक है। थर्ड में किसने अप्रूवल दे दिया है कि मर्जर हो जाएगा, सीजी ने, वेरी गुड, थर्ड में किसने अप्रूवल दे दिया, सीजी ने, और बाकी सेवेंथ में किसने अप्रूवल दिया है, ट्रिब्यूनल ने, तो सेवेंथ में किसने अप्रूवल दिया है, ट्रिब्यूनल, मतलब या तो 3 से मर्जर हुआ या तो 7 से मर्जर हुआ, दोनों में से एक हो सकता है ना, सुने नहीं समझ रहा बच्चा, तो 3 से मर्जर हुआ या तो 7 से मर्जर हुआ, रजिस्टर तो हो रही है, तो वही लिखा हुआ है, देखो या तो 3 से मर्जर हुआ, ठीक है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम अंडर सबसेक्शन 3 या तो 7 शैल बी डीम्ड टू हैव एन इफेक्ट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, मतलब अभी कौन डिसॉल्व हो जाएगा बेटा, उसको पूरा डिसोल्यूशन वाइंडिंग अप करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाते हैं वो लोग, ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ट्रांसफरर कंपनी डिसॉल्व हो गया और कौन सा कंपनी आ गया, ट्रांसफरी कंपनी फॉर्म हो गया, मतलब बी एंड एस डिसॉल्व हो गया और बीएस प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म हो गया। अभी बताओ, अच्छा अभी मुझे बताओ, एक बार ट्रांसफर हो गया इन दोनों के असेट्स किसके बन जाएंगे, ट्रांसफरी कंपनी के, वेरी गुड, इन दोनों के लायबिलिटीज ट्रांसफरी कंपनी के, इन दोनों के अगेंस्ट जो लीगल प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं वो क्रैश थोड़ी होंगे, भूमि तो आके बोलेगी ए लीगल प्रोसीडिंग कैंसिल हो, अभी तो नए नाम आया, हट नए नाम आया क्या, वो नए नाम से भी चालू रहेगा, नहीं समझा, पक्का समझा, तो हो गया मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी हो गया, नेक्स्ट पॉइंट में, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट इतना ज्यादा याद नहीं रहा ना तो चलेगा, मतलब जब भी इतना प्रोसीजर लिखोगे इतना नहीं लिखता होगे यार तुम लोग, ठीक है। चलो स्टार्ट, 9th पॉइंट इतना नहीं लिख पाओगे, मैं सच्ची बोल रही हूँ, इतने पॉइंट्स नहीं लिख पाओगे, तो क्या करना, 9th पॉइंट को थोड़ा कट शॉर्ट कर देना, कि वंस अ ट्रांसफरी कंपनी, मतलब वंस व्हाट इज एन इफेक्ट ऑफ द अमालगमेशन या मर्जर, द ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड द लीगल प्रोसीडिंग शैल बी ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, ऐसा करके शॉर्ट में लिख देना, ठीक है, ये सब इतना एक ए बी सी सब इतना सब लिखने मत जाना। चार्जेस, अच्छा तुम्हारा चार्जेस होगा तो, मतलब लोन लिया होगा ना,
तो लोन वेव ऑफ नहीं तो फिर लोन भी ट्रांसफर ही कंपनी के। अच्छा चार्ज क्रिएट किया होगा प्रॉपर्टी पे, चार्ज क्रिएट किया होगा ना, तो वो भी ट्रांसफर ही कंपनी, यही वो यही सब लिखा है। तो नाइन्थ पॉइंट समझ गया। अच्छा अभी टेंथ पॉइंट में सिर्फ इतना लिखा है एक बार ट्रांसफर ही हो गया, ठीक है, ट्रांसफर हो गया ना, तो अभी वो खुद के नाम का शेयर्स नहीं रख सकता है, लॉजिक है ना, वो खुद के नाम का शेयर्स नहीं रख सकता है। मतलब अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाला समझो, बी एस लिमिटेड बी में समा गया था, मतलब अभी बी लिमिटेड बड़ा हो गया था, तो अभी यहाँ पे एस लिमिटेड जो है वो ट्रांसफरर कंपनी हो गया, और ये कंपनी कौन से हो गए, ट्रांसफररी कंपनी। अच्छा अभी इसके पास मान लो एस लिमिटेड के थोड़े बहुत शेयर्स थे, अरे हो सकते हैं ना, क्यों नहीं हो सकते, तो अभी वो शेयर्स होल्ड करके नहीं रख सकता है, क्योंकि अभी तो एस लिमिटेड से भी है नहीं, समझ रहे, एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो वैसे भी वो शेयर्स होल्ड करके नहीं रख सकता, उसको शेयर्स को कैंसिल करना पड़ेगा। सो अगर ट्रांसफररी के पास कोई भी ट्रांसफरर कंपनी के अगर एक भी शेयर है तो वो शेयर्स को इमीडिएटली उसको कैंसल करना पड़ेगा। ऐसे कैसे खुद की कंपनी के शेयर्स खुद ही होल्ड करके रखोगे, कैसे लगेगा, समझ रहा है ना। तो ये टेंथ पॉइंट हो गया, तो टेंथ पॉइंट से क्या है ना प्रोसीजर खत्म हो गया, नाइन्थ पॉइंट से प्रोसीजर खत्म हो गया, नाइन्थ पॉइंट से सिर्फ इफेक्ट चालू है कि इतना इतना उनको करना पड़ेगा। तो नाइन्थ पॉइंट क्या लिखा बोलो, नहीं नाइन्थ में क्या लिखा है वो पूछ रही हो, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड लीगल प्रोसीडिंग चार्जेस वो सब ट्रांसफर हो जाएंगे। टेंथ पॉइंट में क्या लिखा है कि वो खुद के नाम पे शेयर्स नहीं, मतलब उसको इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा फिर आरओसी बोलेगा ए भाई तू अभी बड़ा कंपनी बन गया है, बड़ा बन गया ना, तो उसका ऑथोराइज कैपिटल बढ़ गया होगा। अभी आपने आरओसी में फीस पे करते हो ना रजिस्ट्रेशन का, तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन का फीस कौन से बेसिस पे करते हो पता है, ऑथोराइज कैपिटल के बेसिस पे करते हो। चलो मान लो पहले का ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख था, अभी का ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख है, तो डिफरेंस हुआ है ना, 4 लाख डिफरेंस हुआ है ना, हाँ, तो 4 लाख के बेसिस पे आपको डिफरेंस अमाउंट का फीस पे करना पड़ेगा। तो वो लिखा होगा ना रिवाइज ऑथराइज कैपिटल के बेसिस पे आपको आरओसी में फीस पे करना पड़ेगा, तो ये सब याद रहता है तो रखो, अदरवाइज इट्स ओके। मेन तो तुमको है ना नाइन्थ पॉइंट तक याद रखो, मेन नाइन्थ एंड टेंथ पॉइंट तक याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद वाला 11 पॉइंट याद रहता है तो रखो, दे हैव टू सिंपल लैंग्वेज में लिख देने का, दे हैव टू पे द प्रिस्क्राइब फीस ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीज ऑथराइज कैपिटल, दो लाइन में लिख दो इंक्रीज ऑथराइज कैपिटल के बेसिस पे, डाउट है बेटा। नेक्स्ट 12th पॉइंट क्या लिखा है, द सेम विल बी एप्लीकेबल, ठीक है छोड़ो जाने दो, वो इतना कुछ काम का नहीं है। 13 में द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोवाइड द मर्जर्स अमलगमेशन ऑफ द कंपनी इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड 14 में फोर्टीन एक्सप्लेन करो, द कंपनी कवर्ड अंडर दिस सेक्शन मे यूज अ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 233, मतलब उनके पास ऑप्शन है, आइदर 233 में जा सकते हो या तो 232 में जा सकते हो। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है बोलो, डाउट है क्वेश्चन है बोलो। तुमको फॉर्म नंबर समझा बेटा, क्या क्या फॉर्म नंबर समझा, 9, 10, 11, ठीक है। 12 कौन सा होता है, अगर GNL 1, अच्छा GNL 1 कहाँ अटका था, तुम लोगों ने भरा था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और सबको दिया था। अभी आरओसी क्या कर सकता है बेटा, नहीं ऑब्जेक्शन उठाया। ध्रुव तूने ऑब्जेक्शन नहीं, ध्रुव नहीं आर्यन है ना वो, सॉरी आर्यन तूने ऑब्जेक्शन नहीं, ना बोल, एक्टिंग करना पड़ते है, तुमको एक्टिंग नहीं आता है, इनको तो आता है, ये लोग हमारे क्लास में करते हैं, भूमि को भी आता है एक्टिंग करना, तुम लोग ऑनलाइन थे ना तो मेरे को पता नहीं, तुमको आता है, इसको भी आता होगा मेरे को लगता है एक्टिंग, तेरे को नहीं आता है करने का एक्टिंग, ना बोल ना, वेरी गुड। तो उसको एक इश्यू करके दे फॉर्म CAA 12, समझा, अगर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो CA 12, अगर ऑब्जेक्शन उठाया तो CA 13, नहीं समझा। अगर आरओसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो कौन सा फॉर्म, CA 12, और अगर ऑब्जेक्शन उठाया तो CA 13,
मतलब यहाँ पे इतने फॉर्म्स हैं, 9, 10, 11, 12, 13 और एक एक्स्ट्रा GNL1, बस उतने फॉर्म्स ही याद है। अभी बताओ कोई डाउट है तो बोलो, नहीं समझा ना, चैप्टर खत्म। इजी था कि डिफिकल्ट था? चैप्टर ही खत्म हो गया, बाकी सब चीज वापस कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है। सिर्फ एक आध दो प्रोविजन बाकी है, वो मैं करा दूंगी, ठीक है। बट मुझे बताओ सीरियसली कितना दिखने में कितना बड़ा चैप्टर था, कितना बड़ा चैप्टर है, कितना बड़ा चैप्टर है। हाँ उस, अरे बेटा ROC है ना, रुक जा, मैं बना दूं तेरे को चार्ट। ये रब करूं, ये रब करूं ना, ये चाहिए ना। रुक रुक रुक, मैं बताती हूँ, एक काम करती हूँ मैं ना, आगे के 10 पॉइंट के फटाफट तेरे को चार्ट ही दे देती हूँ, तो मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बाकी का है ना मैं मार्किंग करा दूंगी कि कैसे कैसे तुमको कितना कितना पढ़ना है, ठीक है। वो सेम लिखा है, भरोसा रखो मेरे पे, ठीक है। अच्छा सुनो अभी ध्यान से, ठीक है। बट उसके नहीं, भरोसा मत रखो, मत रखो, ठीक है, भरोसा मत रखो मेरे पे, भरोसा मत रखो। क्या करो तुम, घर पे जाके पढ़ो, सुनो। नहीं नहीं मैं भूल गई, क्या तू बोले? हाँ वो फ्लो चार्ट चेक कैसे ना। अच्छा तुम बताते जाओ ना, मैं बनाती जाऊंगी, मेरे को ना आता ना। हाँ वही, उसका फ्लो चार्ट बना देते हैं। तूने बना दिया? ठीक है, तो मैं बनाऊ कि नहीं बनाऊ? ए इधर देखो ना। हाँ तुम लोग को क्या चाहिए? चार्ट चाहिए ना। चलो बोलते जाओ, हेल्प करो मेरे को, मेरे को नहीं आता है बनाने को। चलो स्टार्ट। फर्स्ट नोटिस, नोटिस टू, अच्छा CAA9 लिख दू ताकि सब तुमको एक ही चार्ट में मिल जाएंगे। CA9 किसको दोगे? ROC को दोगे एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर फॉर व्हाट? फॉर ऑब्जेक्शन या तो सजेशन। ये समझा? इसमें कोई डाउट है? फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। ये कितने दिन में देने का? विद इन 30 डेज। अच्छा वो लोग लिखे नहीं है बोर्ड रेजोल्यूशन, मतलब ऑब्वियसली अज्यूम्ड है वो बोर्ड रेजोल्यूशन के बाद ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा, सेकंड सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। मतलब आपको इसके साथ क्या देना पड़ेगा? सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। ये कौन से फॉर्म में होगा? CAA10, ठीक है। ये भी किसको देना है बेटा? वही ROC को एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर को। ये समझा? चलो वेरी गुड, हो गया। फिर नेक्स्ट बेटा, ठीक है। नहीं 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 नहीं, पहले मीटिंग बुलाना है बेटा, मीटिंग बुलाने का, ठीक है। मीटिंग किसका बुलाओगे बेटा? मेंबर्स का मीटिंग बुलाओगे, और उसमें क्या कंसिडर करोगे? ऐसा लिखने का, कंसिडर। नहीं 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 नहीं, कंसिडर ऑब्जेक्शन, कंसिडर ऑब्जेक्शन। मतलब जो ऑब्जेक्शन इन लोगों ने दिया होगा ना, वो ऑब्जेक्शन आप उधर कंसिडर करोगे, ठीक है। एंड रेजोल्यूशन पास करोगे। कितना रेजोल्यूशन पास होना चाहिए? 90% ऑफ द टोटल नंबर। क्या लिखा है? नंबर ऑफ द शेयर्स। समझ रहा है? बोलो नेक्स्ट कौन सा मीटिंग बुलाओगे? ए एक्सी, नेक्स्ट कौन सा मीटिंग? क्रेडिटर्स का। सो मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स का मीटिंग बना दिया, बुला दिया। फिर इधर मेजॉरिटी एंड 19th, सॉरी माई मिस्टेक, एंड 19th, ठीक है, ऑफ द वैल्यू, ठीक है। इन लोगों का ले लिया, और फिर नेक्स्ट आगे। चलो हो गया, फिर सब ये हो गया, फिर वापस ये सारे अप्रूवल्स आ गए, तो ऑल अप्रूवल्स विल बी फाइल्ड विद, अप्रूवल्स विल बी फाइल्ड फाइल विद। तीन जन को सबमिट करोगे, कौन से तीन जन? ROC, OL एंड CG। अच्छा ब्रैकेट में क्या लिखू? RD। ये समझा? चलो तू बना दी ऑलरेडी, कितने तो क्यों मेहनत करा रहे हो मेरे पास? अच्छा हाँ ओके, अभी क्या करेगा नेक्स्ट? हाँ ये कौन से फॉर्म में होगा? CA11 एंड GNL1। अभी समझा? चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट, ठीक है, अब दो चीज हो सकता है। इधर मैं ऐसे दो चार्ट बना के करूं तो ज्यादा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। यहाँ पे ROC एंड OL ने, K
क्या किया? नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन. अगर नो ऑब्जेक्शन है तो कौन सा होगा बेटा? CA 12. सुनिए बेटा, समझा तेको? ये नहीं समझ रहा था ना? नहीं, ये तो सिर्फ स्कीम का ऑब्जेक्शन है, ठीक है. फिर स्कीम अप्रूव होने के बाद वाले ऑब्जेक्शन से वापस ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, ऐसा. समझ रहा है ना? ठीक है. उसके बाद ROC एंड OL, ठीक है. अच्छा, नो ऑब्जेक्शन तो किसको इन्फॉर्म कर देंगे बेटा? इधर ही लिख रही हूँ. इन्फॉर्म किसको बेटा? इन्फॉर्म CG, ठीक है. और CG क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन कर देगा ना. CG क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन कर देगा. ये समझा? इधर तक कोई डाउट है बेटा? अच्छा, उसके बाद ROC OL क्या करेगा? नो ऑब्जेक्शन की जगह पे अगर ऑब्जेक्शन लिखूं, मतलब उसे क्या लिखा है? ऑब्जेक्शन लिखा है, तो फिर कौन सा होगा बेटा? CA 13 में ऑब्जेक्शन लेता है. अभी समझा? और ये किसको इन्फॉर्म करेगा? इन्फॉर्म करेगा किसको बेटा? CG को. विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज. 30 डेज बराबर. फिर CG क्या करेगा? CG इन्फॉर्म करेगा. CG विल इन्फॉर्म किसको? इंटीमेट करेगा ट्रिब्यूनल को. आया, CG किसको इन्फॉर्म करेगा? ट्रिब्यूनल को इन्फॉर्म करेगा. और विद इन हाउ मेनी डेज बेटा? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन, या तो हाँ, रिसीप्ट ऑफ स्कीम, ठीक है. चलो बोलो, और यहां तक हो गया? चलो, ट्रिब्यूनल ने अप्रूव कर दिया. अभी ट्रिब्यूनल क्या करेगा? इधर से नीचे लिखना, इसके नीचे ही लिखना. ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ठीक है, ट्रिब्यूनल ऑब्वियसली अगर बराबर हुआ तो सेक्शन 232 में स्कीम को अप्रूव करेगा और फिर रजिस्ट्रेशन कर देगा और ROC को इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है. यही है. बोल, अभी प्रोसीजर में क्या डाउट है तो बोलो. बोल बच्चा. ट्रिब्यूनल सेक्शन 232 में स्कीम को अप्रूव करेगा और इन्फॉर्म कर देगा किसको? रजिस्ट्रार को. अभी समझा? फिर तो तुमको 9-10 पॉइंट तो समझता है. 9-10 पॉइंट में क्या था बेटा? इफेक्ट्स लिखना है. 9 में सारा एसेट्स लायबिलिटीज ऐसा होगा. 10th में याद रखो कि शेयर्स कैंसिल हो जाने चाहिए. ट्रांसफरी के पास ट्रांसफरर के कोई भी शेयर्स होने नहीं चाहिए, अगर है तो वो भी सारे कैंसिल हो जाने चाहिए, ठीक है. सॉरी, नहीं, किधर दिया है? देखा, ऑब्जेक्शन एंड सजेशन रिसीव्ड इन द ऑफिशियल. हाँ, तो क्या हुआ उसमें? मैंने क्या रॉन्ग लिखा है? हाँ, तो मैंने क्या, अगर ऑब्जेक्शन हुआ है तो CA 12 CG इश्यू करेगा. हाँ, अच्छा, उल्टा लिखूं मैं इधर? अच्छा, वही ना, तो मैं वही सोच रही हूँ. क्या लिखा है मैंने इसमें? रॉन्ग नहीं लिखा है मैंने? हाँ, नहीं, ये ROC इन्फॉर्म करेगा सिर्फ, ठीक है. फिर ऑब्जेक्शन हुआ है ना, तो अभी नो ऑब्जेक्शन हुआ है तो अभी CG CA 12 इश्यू कर देगा. तुमको उल्टा चाहिए, लिखू मैं उल्टा लिखू, ठीक है. तो मैं उल्टा लिख देती हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है. नो ऑब्जेक्शन हुआ है तो वो किसको इन्फॉर्म करेगा? वो इन्फॉर्म करेगा CG को. फिर CG इश्यू करेगा CA 12 ताकि रजिस्ट्रेशन हो गया. चाहिए तो यहां पे भी उल्टा लिख देते. अभी नो ऑब्जेक्शन, अभी फिर CG क्या करेगा? ऑब्जेक्शन, अगर ऑब्जेक्शन हुआ है तो क्या होगा इधर? वो किसको इन्फॉर्म? अरे यार, लिखना चाहिए. ऑब्जेक्शन हुआ है तो ये इन्फॉर्म किसको करेगा? हाँ, CG को करेगा, बराबर. और CG CA 13 इश्यू करेगा और किसको इन्फॉर्म करेगा? ट्रिब्यूनल को.
समझ रहा है ना? हाँ ठीक है, समझा? डाउट है पूरा समझा, हर एक पॉइंट समझ गया, डन। अच्छा अभी एक काम करो, बैठ के क्या करो तुम लोग है ना, मार्किंग करते जाओ फटाफट फटाफट फटाफट। नीचे यहाँ पे लिखा ना 14 पॉइंट, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 सब लिखा है ना? अच्छा ये लिख लिया तो मैं स्टार्ट करूं बेटा? नहीं नहीं वो लिख रही, हो गया ठीक है। अभी 14 पॉइंट के बाद देयरफॉर वी कैन सी सेक्शन 233 लिखा है, ये पूरा समरी दिया है ठीक है, पूरा समरी दिया है, लास्ट तक समरी दिया है, लास्ट में 232 वाला यहां तक, मतलब इसका पूरा फ्लो चार्ट का इधर वर्डिंग्स में लिखा है बस, और कुछ नहीं है। यहां तक समझा? हाँ हाँ योर कॉल, पर लिखना है पूरा बड़ा लंबा, ऐसा ऐसा चार्ट फॉर्म में नहीं लिखने का। हाँ बस हाँ, अगर 10-5 मार्क के आएगा तो, ज्यादा आएगा तो थोड़ा डिटेल में एक्स्ट्रा लिख देना ठीक है। चलो उसके बाद रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन दिया है ठीक है, नहीं समझा? रेलेवेंट प्रोविजन उसमें देखो, फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स, ये मार्क करो इम्पोर्टेंट, फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ फास्ट ट्रैक मर्जर नीचे लिखा है ठीक है। ऊपर वाला पैराग्राफ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंट्रोडक्शन है, अगर वो याद रहता है तो रखो, नहीं रहता तो काट दो चलेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, नो रिक्वायरमेंट शैल अप्लाई टू एनसीएलटी को अप्लाई करने की जरूरत है ट्रिब्यूनल। अच्छा फास्ट ट्रैक मर्जर का बेनिफिट क्या है? ट्रिब्यूनल इन्वॉल्व नहीं होगा, टाइम बच जाएगा, तो वही लिखा हुआ है ठीक है। तो ट्रिब्यूनल प्लस स्पेशल ऑडिट कंडक्ट नहीं करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो जो 232 में ऑडिट कंडक्ट कराना पड़ता है, फिर एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है कि हम लोग मर्जर कर रहे हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो, किसी को भी पर्सन अफेक्टिंग को ऑब्जेक्शन है तो वो आके बता सकता है, वो सब करने की जरूरत नहीं है ठीक है। तो ये मार्क करो इंपॉर्टेंट, एडवांटेजेस आ सकता है ऑफ द फास्ट ट्रैक मर्जर। चार ही पॉइंट लिखना है, पहला पॉइंट कौन सा है? नो रिक्वायरमेंट टू अप्लाई टू ट्रिब्यूनल। सेकेंड, थर्ड, नो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट एंड इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव। चलो उसके बाद नीचे दिया ना रूल नंबर 25 ठीक है, रूल नंबर 25 में वापस वही सेम चीज लिखा हुआ है बट अलोंग विद द फॉर्म नंबर। नालायक लोग है ना, पहली बार में फॉर्म नंबर दे दिया होता तो क्या वांदा होता था उनको ठीक है। सेम लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है बट अलोंग विद द फॉर्म नंबर लिखा है, समझा? सो अगर वापस नहीं पढ़ना है तो कट कर दो, स्टार्टिंग फर्स्ट वाला पेज अच्छे से पढ़ के जाना, समझा? उसके बाद स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन मार्क करना, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा उसमें प्लीज चेंजेस करो, अमेंडमेंट आया है, वी पेड अप शेयर कैपिटल, वहां पे लिखा होगा ना 50 लाख ठीक है, 50 लाख की जगह पे क्या करोगे? 4 करोड़। और नीचे लिखा हुआ है 2 करोड़, 2 करोड़ की जगह पे कितना करोगे? 40 करोड़ ठीक है। और उसके नीचे प्रोवाइडेड दैट वो होल्डिंग कंपनी नहीं होना चाहिए, सब्सिडी नहीं होना चाहिए, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 नहीं होना चाहिए, उनके लिए कोई स्पेशल एक्ट होना नहीं चाहिए। एनालिसिस नीचे दिया है, मुझे बताओ पब्लिक कंपनी होगा कि प्राइवेट कंपनी होगा? प्राइवेट कंपनी, अंडरलाइन करो प्राइवेट कंपनी। पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 4 करोड़, उधर 4 करोड़ लिखो ठीक है। टर्नओवर कितना होना चाहिए? 40 करोड़। इट इज नॉट अ होल्डिंग कंपनी, नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड नॉट अ चैरिटेबल ट्रस्ट। कोई डाउट है? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन करके जाना, क्योंकि आ सकता है स्मॉल कंपनी का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो आएगा, इतने प्रोफेशनल लेवल पे इतना चिरकुट क्वेश्चन नहीं आएगा ठीक है। यहां तक समझा? उसके बाद मेरे को बताओ व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द स्मॉल कंपनी, अगर हाँ ये थोड़ा अलग पॉइंट है, बेनिफिट ऑफ द स्मॉल कंपनी। अच्छा इधर यहाँ पे कंपनी लिख रही हूँ, इधर यहाँ पे मैं स्मॉल कंपनी लिख रही हूँ, बताओ कुछ अगर बेनिफिट कुछ भी याद है, अगर कंपनी लॉ में कुछ भी याद? अच्छा बोर्ड मीटिंग याद है? मुझे बताओ नॉर्मल कंपनी में बोर्ड मीटिंग, नॉर्मल कंपनी 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, इधर 2। कैश फ्लो स्टेटमेंट पता है? इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट होना चाहिए, इधर कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपलसरी नहीं है ठीक है। और एजीएम होता है इधर स्मॉल कंपनी में,
क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं बैठी हूँ, तुम आंसर दो आराम से, टाइम है अपने पास बहुत। क्या क्या है वापस बोल, मैं बोलू? नहीं तुम बोलोगे। हाँ बोलो। अरे प्राइवेट कंपनी एजीएम तो होगा ना, मैंने क्यों ऐसे बोला, एवे एवे मैंने बोल दिया, मुझे सिर्फ देखना था। अरे बोलना चाहिए था ना मैम, एजीएम इज कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी, वेदर इट बी अ स्मॉल कंपनी, वेदर इट बी अ प्राइवेट कंपनी, हाँ, या वेदर इट बी अ नॉर्मल कंपनी, ओनली ओपीसी को एजीएम करने की, वो तो लॉजिक है यार, ओपीसी कैसे एजीएम करेगा, अकेला आएगा, कश का है बरा, मी भी मी पढ़ा लो, ठीक है, समझ रहा है ना। सो ऑब्वियसली ओपीसी को एजीएम, बाकी सारी कंपनी को करना पड़ता है, तो मैम आपने क्यों पूछा एवी, मजा का है, मेरे को बहुत मजा आया तुम्हारा शक्ल देख के, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर, ठीक है, टू टू एजीएम, सिर्फ गैप बड़ा है मैम, ज्यादा बाकी तो कुछ, ठीक है। अच्छा बोर्ड मीटिंग समझा, कैश फ्लो समझा, अच्छा अभी मेरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, हाँ नहीं नहीं मैं बताती हूँ ना, मुझे एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, किसको नहीं करना पड़ेगा एनुअल रिटर्न, क्यों, तो चल चल, एनुअल रिटर्न सबको फाइल करना पड़ता है, ये तुम लोग एवी पास हुए हो कंपनी लो, ठीक है, एनुअल रिटर्न सबको फाइल करना पड़ता है, हाँ, उसका 7A है वो, हाँ वो स्मॉल कंपनी करे, स्मॉल है, करेक्ट करेक्ट, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, आंसर इज यस, दोनों को करना पड़ता है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे है ना नॉर्मल कंपनी में डायरेक्टर का और है, और एक नहीं, एक मिनट वापस मैं बोल रही हूँ, ठीक है, नॉर्मल कंपनी में डायरेक्टर एंड, ठीक है, ये और मैं हिंदी वाला बोल रही थी, फिर तुमको नहीं समझा इसके लिए मैं बोल रही हूँ, डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर चाहिए, समझा, और इधर जो स्मॉल कंपनी है ना इसमें इंग्लिश वाला और है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टर की सिग्नेचर भी हो सकती है या तो कंपनी सेक्रेटरी का भी सिग्नेचर हो सकता है, मतलब इधर यहाँ पे सिग्नेचर में एंड है बीच में, यहाँ पे सिग्नेचर में बीच में और है, तो यहाँ पे सीएस को अपॉइंट करना कंपलसरी हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है, एंड डायरेक्टर का तो सिग्नेचर ऑब्वियसली होना ही चाहिए, और इधर यहाँ पे डायरेक्टर ने भी साइन कर दिया, सीएस को अपॉइंट नहीं किया तो चलेगा, समझ रहा है, क्योंकि इसमें बीच में और है, अभी समझा, तो नीचे देखोगे, ठीक है, तो पहले पहले मैं पॉइंट में फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न दिया है ना, उसमें वही एंड और लिखा है, मैं पढ़ती नहीं हूँ, ठीक है, बोर्ड मीटिंग, कितना बोर्ड मीटिंग बेटा, दो बोर्ड मीटिंग होना चाहिए, कौन सी, स्मॉल कंपनी में, और इधर चार बोर्ड मीटिंग होना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायरमेंट फॉर स्मॉल कंपनी, कैश फ्लो रिक्वायरमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल कंपनी। अच्छा तुमको रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स पता है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स मतलब क्या, एवरी फाइव इंडिविजुअल होगा तो 5 साल तक एक ऑडिटर होना चाहिए, फिर रोटेट होना चाहिए, और अगर फर्म होगा तो 10 साल, ठीक है, वो रोटेशन कंपनी में चलेगा, कंपनी में होना चाहिए, स्मॉल कंपनी में रोटेशन की जरूरत ही नहीं है, यहां तक समझा, तो इन शॉर्ट ये बेनिफिट्स हो गया स्मॉल कंपनी का, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज स्मॉल कंपनी एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स विच आर अवेलेबल टू स्मॉल कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013, बताओ कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, बोलो, यहां तक समझा। अच्छा अभी तुम्हारी महान आत्मा, बोलो तुम्हारा मॉड्यूल, ठीक है, वापस तीसरी बार सेम थिंग दिया हुआ है, ठीक है, बट टेबल फॉर्म में तीसरी बार दिया हुआ है, ठीक है ठीक है। अच्छा मैम आपने क्यों डाला है फिर, अगर मैं नहीं डालूंगी ना तो मेरे को है ना प्रोफेशनल बैच को परेशान करता है, एग्जीक्यूटिव बैच मेरे को परेशान नहीं करता है, मेरे को प्रोफेशनल बैच परेशान करता है, और स्पेशली जो ऑनलाइन में होता है ना वो मुझे परेशान, मैम इतना छोटा चैप्टर एक चैप्टर में खत्म कर दिया, एक पेज में खत्म कर दिया, ऐसा करके, और फिर लिटरली सब करते हैं, क्योंकि मॉड्यूल में इतना बड़ा दिया, पर वो देखेंगे नहीं कि आगे सेम टू सेम है, ठीक है, बट फिर है ना मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, तो मैंने बोला अभी मैंने है ना डिसाइड ही किया, तू ले ले, तू पूरा मॉड्यूल ही ले ले, मेरे को मत परेशान कर, बट अभी मैं बोल रही हूँ कि इतना 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 ही करके जाना, ठीक है, आगे के 1.5 पेज करके जाना, स्मॉल आगे के 2 पेज करके जाना, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन अच्छे से करके जाना, स्मॉल कंपनी को क्या प्रिविलेजेस है वो एक अच्छे से करके जाना, एडवांटेजेस ऑफ
स्मॉल नहीं नहीं बेटा, एडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट ट्रैक मर्जर वो अच्छे से करके जाना, ये तीसरी बार वापस टेबल फॉर्म में दिया है। अच्छा अगर तुमको चौथी बार भी दिया है, वेरी गुड। नहीं नहीं वो थोड़ा अलग है, ऐसा मत बोला, मॉड्यूल को ऐसा मत करा, ठीक है, बट यहां तक समझा, वो थोड़ा अलग है। उसमें रिपोर्टिंग क्या होना चाहिए, क्या क्या रिपोर्ट भेजना चाहिए, वो थोड़ा अलग है, सब सेम सेम नहीं होते ऐसा करके, बट यहां तक समझा। मैंने तुमको बोला ना, तुम मुझे सिर्फ आधा घंटा सुन लो, चैप्टर धड़ाधड़ हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला सीआर ऑप्शन में छोड़ दो, सच्ची बोल रही हूँ, ठीक है, कराओ मैं सीआर कि कर लोगे खुद से। हाँ वो है, मुझे चलेगा, मुझे प्रोफेशनल बैच के साथ मैं 2 घंटा के 5 घंटा के 6 घंटा बैठ सकती हूँ, एग्जीक्यूटिव मैं नहीं बिठा सकती, मैं उनको नहीं बैठ सकती हूँ, मैं उनको झेल नहीं सकती हूँ, ठीक है। ये सिर्फ तुम्हारे ऐसा सीक्रेट रखो आप प्लीज अपने पास। अरे क्या ना, सुनना, कैसा होता ना, उधर है ना एंटरटेनमेंट ज्यादा चाहिए, ठीक है, कम चाहिए। पता है कि एक्सरसाइज पढ़ा दूंगी ना, तुम अच्छे से पढ़ ले लोगे और तुमको में जल्दी आता है, तुम्हारा माइंड ऐसा डेवलप हो गया ना, वो सेबी पढ़ पढ़ के ऐसा, तुम लोग को एग्जीक्यूटिव में ऐसा तराशा गया है, तो फिर सारू थू ना, ठीक है, तो मैं भी कर लेती हूँ, मैं भी वजन घटाई दे इसी, ठीक है। ये मैं पतली हुई कि नहीं, ए हाँ बोल रहे पूर्वा, ना बोल रहे है ये लड़की। अच्छा आक्षी कुछ, आक्षी मास निकाल के हाँ बोल, ठीक है, आक्षी मास निकाल के हाँ बोल, कितनी कमी नहीं हो सकती ना तू, ठीक है, नहीं हाँ वही कमी नहीं हो सकती है, हाँ तू अच्छी है बच्चा, तू अच्छी है, हाँ तेपन की तू, अरे चल चल सच बोला, ये सच बोलो ना यार, है ना। चलो ये तीसरी बार खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं टेबल वाला खत्म हो गया, वापस बोलू टेबल, नहीं नहीं हो गया ना, ठीक है। अच्छा उसमें ना 2-3 और एक्स्ट्रा फॉर्म है, INC 28 और वो सब याद नहीं रहेगा ना, अगर नहीं याद रहा है ना तो हाँ वो कम ले, अगर वो याद नहीं रहा ना तो चलेगा। कौन से याद रखो, 16, 10, 11, 12, 13 और NL1, ये प्रोसीजर वाले जो फॉर्म्स है ना वही याद रखो, ठीक है, वो INC 28, वो फिर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर के देना, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पे ये सारे स्टेप्स करोगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे रिपोर्टिंग रिपोर्ट्स भी देना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ मेमोरेंडम मऊआ पता है, अउआ पता है, मऊआ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अउआ, वो भी देना का, फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, वैल्यूएशन रिपोर्ट होगा, ऑब्वियसली ये एंटरप्राइज का वैल्यू तो होगा ना, भूमि लिमिटेड 10 रुपया, 12 रुपया, तो ऐसा अरे होगा ना ऐसा, अरे नहीं समझा, तो ऐसा एंटर वैल्यूएशन रिपोर्ट्स होंगे, तो वो सब भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करने पड़ेंगे, समझ रहा है ना। अभी कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, MOA AOA, वो सब भी लिखने का। मैम क्यों लिखने का, क्योंकि प्रैक्टिकली तुमको ये सारे सबमिट करने पड़ेंगे तो याद रखना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन कैसे आएगा, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फास्ट ट्रैक मर्जर ऐसा आएगा, ठीक है, यही जो हेडिंग है ना वो बन जाएगा। अभी मैम अगर स्टेप्स इन्वॉल्व आया तो ये पहला वाला लिखने का कि ये वाला लिखने का, ये वाला लिखो, और अगर तुम्हारे पास टाइम है तो उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स भी लिख दो और फॉर्म नंबर, इन शॉर्ट एक चैप्टर को इतने में फॉर्म नंबर अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंटेशन करके एक आंसर फ्रेम कर दोगे ना, अगर सपोज आज घर पे भी जाओगे ना, एक ही आंसर फ्रेम कर दोगे ना स्टेप्स इन्वॉल्व, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिसमें सारे फॉर्म्स नंबर भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, और वो एक ही वो तुमने जो बनाया होगा ना वो एक ही पढ़ के जाओगे ना तो भी ये चैप्टर हो जाएगा, मतलब तुमको लास्ट मोमेंट में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो देखो वहां पे लिखा होगा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ द कंपनीज नीड टू चेक द, अच्छा ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्यों चेक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
आर्टिकल्स में चेक करके देखने का कि तुमको मर्जर का परमिशन है या नहीं है, पावर ऑफ मर्जर है कि नहीं है, मतलब आर्टिकल्स में लिखा होगा. अच्छा अज्यूम भूमि तेरे में आर्टिकल्स में नहीं लिखा है तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे चेंज करना पड़ेगा. चेंज करोगे कैसे? सिंपल, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. समझा कि नहीं समझा? तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो तो अंडरलाइन करो बिफोर, वो इसमें नहीं लिखा है बट लिखो ना, लिखो ना स्पेशल रेजोल्यूशन. बीआर नहीं पास करवाना, एसआरएच पास करवाना. इफ नो देन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नीड टू बी अमेंडेड बिफोर द मर्जर टेक्स प्लेस बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. वहां पे लिख दो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. लिखा, अच्छा उसके नीचे बोर्ड मीटिंग करने का, उसके नीचे अंडरलाइन करो बोर्ड मीटिंग. थर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का और स्कीम ड्राफ्ट करने का. तो मतलब ये मेरा स्टार्टिंग के पॉइंट्स हो गए, मतलब इसके पहले वाले पॉइंट्स हुए, इसके पहले वाले पॉइंट्स हुए. सो सबसे पहले क्या चेक करोगे? एओए. एओए में नहीं है तो फिर एओए अमेंड कर दो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. फिर बोर्ड मीटिंग कन्वे करो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो. बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के बाद तुम क्या करोगे? नोटिस भेजोगे. किसको नोटिस भेजोगे? वहां पे लिखा ना बोथ, सेंड नोटिस टू आरओसी एंड ऑफिशियल. क्यों क्यों नोटिस भेज रहे हो बेटा? ताकि कुछ को उनको ऑब्जेक्शन या स्कीम से रिलेटेड कोई सजेशन देना है तो. यहां तक हो गया? अच्छा वो कौन से फॉर्म में होगा बेटा? CA9. तो सच नोटिस ऑफ द आरओसी शुड बी इन द फॉर्म CA9. अच्छा उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये CA9 हो गया ना बेटा, इसके साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे? बहुत इजी है. शेयर होल्डिंग पैटर्न समझता है तुमको? तुमको तो समझता है, एलओडीआर में हमने किया था शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स, पब्लिक, ट्रस्ट, गवर्नमेंट. वो प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर. प्री मर्जर मतलब मर्जर के पहले कैसा होगा, मर्जर के बाद कैसा होगा. लास्ट 3 इयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मऊआ अवा, बोर्ड रेजोल्यूशन एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट. बोला था ना 10 रुपया 12 रुपया. नहीं समझा बेटा? समझा तो ये हो गया. अच्छा उसके बाद क्या करोगे? डिक्लेरेशन किसमें फाइल करोगे बेटा? CA10. ठीक है, उसके साथ साथ क्या फाइल करोगे? वापस बोर्ड रेजोल्यूशन, स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट. इधर 3 ही है सिर्फ. CA10 के साथ क्या फाइल करोगे? स्टेटमेंट ऑफ, देखो कैसे याद रखो, CA10 है ना असेट्स एंड लायबिलिटीज वाला है, सॉल्वेंसी है. सॉल्वेंसी में असेट्स एंड लायबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए ना, इसके लिए तो स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी. अभी स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी आया तो ऑडिटर तो याद आएगा ही आएगा, सीए तो याद आएगा ही आएगा, तो फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट बस हो गया. हाँ समझा, ऐसे जलते लोग जलते सीए से. ठीक है, और बोर्ड रेजोल्यूशन तो होगा ही होगा. तो 3 पॉइंट समझा CA10 के साथ? अरे नहीं समझा यार. चलो CA10 सबमिट कर दिया, फिर मीटिंग के लिए बुलाओगे ना? अच्छा मुझे बताओ मीटिंग के लिए कितने दिन पहले नोटिस दोगे? 21 डेज. ये तो कंपनी लॉ में पढ़ा होगा तो चाहिए तो लिख दो. नोटिस कितने दिन पहले देना पड़ेगा? 21. सेंडिंग नोटिस टू शेयर होल्डर्स मीटिंग एंड क्रेडिटर्स मीटिंग 21 डेज प्रायर टू द मीटिंग. लिख दो ना, बेटर रहेगा. ठीक है, फिर क्या करोगे? मीटिंग के लिए नोटिस भेज दिया, फिर कंडक्ट करोगे एंड ठीक है, फाइलिंग द रिजल्ट्स ऑफ ईच मीटिंग विद रिजल्ट्स. अप्रूवल आपको कहाँ फाइल करना पड़ेगा? इधर है ना अप्रूवल जो आएगा, कहाँ फाइल करोगे बेटा? आरओसी? नहीं, मैंने आरओसी नहीं लिखा है, सॉरी आरओसी लिखा है, ऑफिशियल लिक्विडेटर लिखा है एंड आरडी लिखा है. सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पे आरडी लिखा है, रीजनल डायरेक्टर. मतलब ये प्रैक्टिकल है, समझ रहा है ना? ठीक है, लॉ में सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, ये प्रैक्टिकल है, इनसाइट है. ओके, उसके बाद चलो फिर क्या करेगा रीजनल डायरेक्टर? अगर ऑब्जेक्शन होगा तो रीजनल डायरेक्टर में फाइल एन एप्लीकेशन विद ट्रिब्यूनल. ठीक है, ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल कर देगा एंड ट्रिब्यूनल शैल अप्रूव या तो डिसअप्रूव द स्कीम. इफ अप्रूव्ड इट शैल बी फाइल्ड विद आरओसी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी सो फार एज डिस्कस. ये समझा? ये समझा कि नहीं समझा? अच्छा अभी तुम लोग को ये प्रोसीजर तो करना पड़ेगा, जब ये फास्ट ट्रैक मर्जर होगा ना तुम्हारी कंपनी का तो प्रोसीजर तो करना पड़ेगा, बट स्कीम तो ड्राफ्ट करना पड़ेगा ना. पूरा स्कीम ड्राफ्ट करोगे ना तो नीचे जो कंटेंट दिया ना वो क्या दिया? हेडिंग, हेडर्स पॉइंट दिए तुम्हारे को. मतलब ये तुम्हारा प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये थियोरिटिकल अप्रोच नहीं है. प्रैक्टिकल अप्रोच में कैसे स्कीम ड्राफ्ट करोगे, पहले क्या आएगा, सेकंड क्या आएगा. कभी तुमको टाइम मिलता है ना तो कभी है ना कभी गूगल करो और कोई भी स्मॉल कंपनी का अगर टाइप करो स्कीम ड्राफ्टेड बाय
टू स्मॉल कंपनीज अंडर फास्ट ट्रैक मर्जर ऐसा करके, तो तुमको है ना गूगल पे पूरा स्कीम का वो ड्राफ्ट कॉपी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुमको वैसे ही बनाना है। तो सबसे पहले हेडर्स याद रखो, प्रीएमएल, प्रीएमएल का मतलब स्कोप, स्कोप होता ना, स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड द पर्पस ऑफ दैट मर्जर, के लिए भाई हम मर्ज, हम क्यों मर्ज कर रहे हैं, ठीक है, रीजन क्या है मर्ज करने के लिए, ठीक है। कोई तो रीजन होगा ना, तुम दोनों मर्ज हुए, क्या रीजन हो सकता है तुम दोनों का मर्ज होने के लिए। मान लो तू रॉ मटेरियल सप्लायर है और तू तू मतलब इसका ही रॉ मटेरियल यूज करती है, तो तुम्हारे दोनों का मेन पर्पज मर्ज होने का क्या है बेटा, कि मेरे को रॉ मटेरियल का कोई टेंशन होना नहीं चाहिए। तो वो प्रीएम्बल में लिखना पड़ेगा कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है मर्ज होने का। नहीं समझा बेटा? समझा? तो वो देखो हेडर्स लिखे होंगे सब, ठीक है। सेकंड, कभी कभी देखो तुम लोग वो स्कीम देखोगे ना, तो प्रीएम्बल में क्या लिखा होगा, ऑब्जेक्ट, स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड द पर्पस ऑफ द मर्जर, क्यों मर्जर करते हैं, दैट इज ओनली प्रीएम्बल। सेकंड हम लिखोगे डेफिनेशंस। मैम डेफिनेशंस क्यों? अरे डिफिकल्ट डिफिकल्ट हो रहा था स्कीम में, जैसे ट्रांसफरर कंपनी क्या होगा, ट्रांसफररी कंपनी किसको बोलेंगे, ठीक है। फिर मतलब मर्जर वर्ड अगर मैंने यूज किया उसका मतलब क्या होगा, तो जो वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, टेक्निकल होते हैं, हर एक लॉ में डेफिनेशंस होते हैं यार, ठीक है, सब एक्ट में डेफिनेशंस होते हैं, तो इधर भी तुमको डेफिनेशंस देना पड़ेगा, ठीक है। आएगा असेट्स का मतलब इधर क्या होगा, लायबिलिटी, नेटवर्थ अगर वर्ड लिखा है तो नेटवर्थ में हमने क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है, समझ रहा है तुमको? सो जो तुमको कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं उसके सारे। अच्छा तो मैम रियली स्कीम का ऐसे ड्राफ्ट मिलता है, कुछ करना नहीं है तुमको, ठीक है। डेफिनेशन भी सेम ही होते हैं, गूगल करो, डाउनलोड करो, वही सेम छापो, सिर्फ कंपनी का नाम चेंज कर दो। अभी समझा? हाँ, पर्पस चेंज हो जाएगा, प्रीएम्बल चेंज हो जाएगा, ठीक है, बाकी तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। हाँ टर्म्स एंड कंडीशन कुछ अलग है तो वो चेंज हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, नहीं चलो, तो फर्स्ट समझा प्रीएम्बल, समझा सेकंड क्या समझा, डेफिनेशन, कौन से डेफिनेशन, जो स्कीम्स में डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उसके डेफिनेशन होंगे। हाँ, अ डिटेलिंग ऑफ प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर कैपिटल, मैंने बोला ना शेयर होल्डिंग पैटर्न देने का, मर्जर के पहले कितना, मर्जर के बात कितना, the way of the assets liability shall be transferred, मतलब उसमें ना उसका फॉर्मेट ही है, ऐसा लिखते हैं, all the assets of the transferor company shall be transferred and become the assets of the transferee company, all the liabilities of the transferor company, वो एक एक पॉइंट लिखते हैं, all the legal proceedings which are going on in the name of the transferor company shall be the shall continue as a legal proceedings of the in the name of the transferee company, ऐसा करके वो लोग पूरा लिखते हैं वो लोग, समझ रहा है? तुम एक बार ड्राफ्ट देखोगे ना तो तुमको समझेगा करके कैसे लिखते हैं वो लोग। तो तुमको है ना, मैं देखने को बोल रही हूँ लॉजिक, क्योंकि ये तुमको रट्टो करने से अच्छा एक बार देखो, प्रैक्टिकली देखोगे ना तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि पहले प्रीएम्बल होता है, फिर डेफिनेशन होते हैं, फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया होगा, प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर के बीच में डिफरेंस दिया होगा, ये प्री मर्जर का शेयर होल्डिंग कैपिटल है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये पोस्ट मर्जर का है, याद तक समझा? उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, अपॉइंटेड एंड इफेक्टिव डेट ऑफ स्कीम। नाउ व्हाट डू यू मीन, ये एक डेट होता है, मतलब एक डेट ही लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा अपॉइंटेड डेट, या तो इफेक्टिव डेट ऐसा वर्ड लिखा होगा, मतलब कौन सी डेट से मर्जर इफेक्टिव हो जाएगा, ये डेट से अभी ट्रांसफरर कंपनी हो जाएगा और ट्रांसफररी कंपनी आ जाएगा, तो वो इफेक्टिव डेट तुम डिसाइड कर लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, मुहूर्त देख के डिसाइड कर लो, जो करना है करो, ठीक है। तुम्हारा कौन सा मुहूर्त अच्छा है रे भाई, सॉरी क्या क्या, अप्रूवल के बाद ही होगा ना डेट, ऑब्वियसली अप्रूवल के बाद ही होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि अप्रूवल के विदाउट तो आप डे आप कर नहीं सकते हो, ठीक है, मतलब वो अज्यूम होता है कि इतना दिन लगेगा मेरे को अप्रूवल का, तो हम लोग फिर ये दिन पे मर्जर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द स्कीम, बेनिफिट्स गिवन टू द स्टाफ। सुनो, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द स्कीम का मतलब क्या होता है, कि कभी कभी होना स्लम सेल होता है, स्लम सेल समझता है तुमको क्या होता है स्लम सेल, मतलब एसेट्स का वैल्यूएशन इंडिविजुअल नहीं होता है, वो क्या करेंगे एक साथ हो गया ना, और ऐसे से तो स्लम सेल का टैक्सेशन इफेक्ट अलग होगा, स्लम सेल का टैक्सेशन इफेक्ट अलग होगा और नॉर्मल का टैक्सेशन इफेक्ट
अलग होगा. समझ रहा है कि नहीं समझा बेटा? समझा. तो क्या टैक्सेशन इफेक्ट है? स्लम सेल है या तो एक एक का एसेट्स का परचेस कंसिडरेशन फाइंड आउट किया है और फिर जाके किया हुआ है, तो वो टैक्स इफेक्ट दिया होता है. वो भी दो तीन लाइन का ही होता है, उतना ज्यादा नहीं होता है. ठीक है, उसके बाद वाला जो पॉइंट है ना, बेनिफिट्स गिवन टू द स्टाफ. मतलब हम अभी देखो कैसा होगा ना, सीईओ दोनों कंपनी के होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना. कंपनी में दो सीईओ तो हो नहीं सकते, कंपनी में एक ही सीईओ होगा. तो अभी यहाँ पे देखो कैसा होगा ना, अपर हैंड ट्रांसफर ही कंपनी का होता है. नहीं समझा ना? अपर हैंड हमेशा कौन सी कंपनी का होगा? ट्रांसफर ही कंपनी का. तो मुझे बताओ, अगर ट्रांसफर ही कंपनी अब ट्रांसफरर का कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को निकाल देगा, तो ये गलत हो जाएगा ना यार. तो यहाँ पे वो बेनिफिट क्या होना चाहिए ऐसा, एटलीस्ट ऐसे देखो उसमें और लॉ में भी लिखा हुआ है कि जो ट्रांसफरर कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज थे उनको सेम बेनिफिट्स मिलना चाहिए. ज्यादा मिल सकता है बट उनसे काम नहीं मिल सकता है. हाँ, सीईओ के पोस्ट में ऑब्वियसली वो एक ही होगा, तो डिसाइड कर लो, या तो तेरा सीईओ बन जाएगा या तो तेरे कंपनी का सीईओ होगा. तो बाकी का जो सीईओ होगा उसका क्या करना है? ठीक है, अगर उसको रख रहे हो तो उसको प्यून नहीं बना सकते हो, इतना डिमोट नहीं कर सकते हो. तो क्या करना है वो देख लो. अगर निकालना है तो फिर बोल सकते हो कि हम लोग उसको निकाल रहे. तो क्या क्या बेनिफिट स्टाफ को मिलेगा वो आना चाहिए. और वो स्कीम देख के देख, अभी देख, अभी यहाँ पे अगर सपोज मान लो ये जो स्कीम अप्रूव कर दिया था, स्कीम अप्रूव कर दिया ना, और स्टाफ को बराबर ट्रीटमेंट नहीं मिला, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इनको लग रहा है कि वो स्टाफ का पॉइंट बराबर नहीं है, तो वो यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा सकते ना. तो बोले थे ना कि यहाँ पे ऑब्जेक्शन तो उठा दिया, तो और कैसे ऑब्जेक्शन उठा दिया? हो सकता है ना इधर. समझ रहा है ना? नहीं समझा बेटा? पक्का समझा? तो बेनिफिट गिवन टू द स्टाफ, और वो लॉ है. हाँ, वो अगर तुम स्कीम कोई भी स्कीम ड्राफ्ट वाला पढ़ा होगा ना, तुम पढ़ के देख लो, उसमें सिर्फ इतना लिखा, द ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी विल बिकम द एम्प्लॉयज ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी एंड दे विल गेट द सेम बेनिफिट एज देवर गेटिंग इन ट्रांसफरर कंपनी. देयर सैलरी विल नॉट बी रिड्यूस बट अकॉर्डिंग टू अवर हेराकीज. ठीक है, अवर, क्योंकि इसकी हेराकी अलग होगी, इसकी हेराकी अलग होगी, तो हेराकी के हिसाब से थोड़ा पोस्ट ऊपर नीचे हो जाएगा. वो तो हो जाएगा ना हेराकी के हिसाब से. अभी इसमें सीनियर ऑफिसर्स और पहले ऑफिसर है, फिर सीनियर ऑफिसर है, फिर असिस्टेंट है, ऐसा कुछ है. तेरे में डायरेक्टली ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर का पोस्ट नहीं है, डायरेक्टली असिस्टेंट का पोस्ट है. तो फिर सीनियर ऑफिसर कहाँ जाएगा? मे बी असिस्टेंट बन जाएगा. समझ रहा है कि नहीं समझा? तो वो सब डिटेल्स देना पड़ेगा, कि वो बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है. समझा? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ. अच्छा, और ये ऐसे ही बनता है, मतलब यहाँ वो ये चेंज नहीं होते पॉइंटर्स, मतलब नहीं समझा ना? पहले प्रीएम्बल होगा, फिर डेफिनेशन ही होगा, फिर शेयर कैपिटल ही होगा, फिर शेयर कैपिटल होगा, फिर शेयर कैपिटल हो गया, फिर असेट्स एंड लायबिलिटीज. ठीक है, द वे द असेट्स एंड लायबिलिटी विल बी ट्रांसफर्ड, कैसे ट्रांसफर होगा, फिर अपॉइंटेड एंड इफेक्टिव डेट होगा. कुछ नहीं है अपॉइंटेड. हाँ, अपॉइंटेड डेट बोलो या तो इफेक्टिव डेट बोलो. नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा बोल सकते अपॉइंटेड डेट, मैंने अपॉइंटेड डेट इतना इतना है, बट मे बी इफेक्टिव डेट आफ्टर अप्रूवल्स वाले मिलेंगे. हमारा टारगेट है कि ये डेट पे मर्जर हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो जब तक अप्रूवल्स नहीं मिलेंगे तब तक इफेक्टिव नहीं होगा. ऐसे भी लिख सकती है ना तू, और वो वैसे ही लिखते हैं वो लोग. अभी समझा? हाँ, और किसी को डाउट है बेटा? चलो, इफेक्टिव डेट हो गया, कंसोलिडेशन ऑफ ऑथराइज कैपिटल समझा. अच्छा, उसके बाद डिसोल्यूशन विदाउट रिस्टोरिंग टू वाइंडिंग अप, ये बताओ. बोला ना ट्रांसफर कंपनी डिसॉल्व हो जाएगा विदाउट वाइंडिंग अप. नोटिस ऑफ द अप्रूवल ऑफ द स्कीम एनी अमेंडमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन टू द स्कीम, अगर उनको मॉडिफिकेशन कराना तो वो लोग मॉडिफिकेशन भी करा सकते. बताओ बेटा, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है बोलो. पक्का समझा? अच्छा, ये हो गया. अभी पोस्ट मर्जर इफेक्ट बता दो क्या होगा, मेरे को क्या बताने की जरूरत? तो वापस क्या एक्सप्लेन करूं, एक बार पढ़ लोगे? वही होगा, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, जो लायबिलिटी होगा इसका लायबिलिटी, जो चार्जेस होगा वो इसका चार्जेस हो जाएगा. ठीक है, जो एसेट्स होंगे वो उसका एसेट्स होंगे. अच्छा, सीएसआर
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी करना तो पड़ेगा ना, कर लिया तो इसने किया ऐसे नहीं। अच्छा तुमको जो सोशल सिक्योरिटी तुम्हारे एम्प्लॉयज को मिल रही है सोनिया, तुझे उसको वो सोशल सिक्योरिटी इसके एम्प्लॉयज को भी मिलनी चाहिए, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। मतलब जो बेनिफिट्स मिल रहा है ना एम्प्लॉयज का, तो वो कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट एक साल तक तो कंटिन्यू रहना ही चाहिए सोनिया। अगर चेंज करना है तो बाद में करो, बट वो फिर वो लोग को डाइजेस्ट नहीं होगा बेचारे को, ठीक है। और ये क्या होता है ना, दो मर्जर में ना मरते कौन है पता है, एम्प्लॉयज, और उसमें स्पेशली कौन सी कंपनी के पता है, ट्रांसफर ई कंपनी के, क्योंकि ट्रांसफरर कंपनी के एम्प्लॉयज को तो ऐसा लगता है उन लोगों ने ले लिया है, ठीक है। मतलब अरे हमारे तुम तो चिरकुट हो, अरे भाई तूने पैसा नहीं दिए तेरे मालिक ने पैसा दिए, समझा हो। पर वो तो ऐसे बिहेव करते हैं ना जैसे जैसे उसने ही खरीद लिया है, ठीक है। और वो हाँ बोलना, और वो तो क्या होता है ना थोड़ा सुपीरियर पोस्ट पर आ ही जाएंगे, क्यों, क्योंकि पैकेज अलग होगा, डेटा एंट्री करने का पैकेज अलग होगा। प्रैक्टिकली सोचो ये सब कैसे हो रहा है, ठीक है, डेटा एंट्री करने का पैकेज अलग होगा, ठीक है। फिर तेरे को आता होगा, इनके एम्प्लॉयज को नहीं आएगा ना, तो वो उनको सिखाने के लिए कभी सिखाओ तेरे को ऐसे करते हैं, ठीक है, नहीं भी सिखाते हैं, स्पेशली उसमें गर्ल्स हुए ना तो नहीं सिखाते हैं, ठीक है, बॉयज हुए ना तो अच्छे से सिखाते हैं। नहीं मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है इसके लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। बट टच वुड, मेरा जो भी सीनियर मेरे को मिला है ना, मेरे को बॉय ही मिला है, मेरा सीनियर कभी मेरे को गर्ल मिली ही नहीं है, ठीक है, मेरे को बॉय ही मिला। और मेरे को इतना अच्छे से वो लोगों ने सिखाया है ना, बहुत प्यार से सिखाया। एक बार गर्ल मिली थी, मेरा पंगा हो गया था उसके साथ, वो ईगो हर्ट हो जाता है गर्ल गर्ल का, ठीक है। बॉयज में ना, बॉयज का तो वैसे भी ईगो नहीं हर्ट होता है, और वो प्यार से गर्ल्स के साथ बात करेंगे, और हम भी बॉय है बॉय है बॉय है करके ऐसे प्यार से बात करेंगे। क्या हुआ, लड़के फिर भी ना लड़के ही अच्छे होते हैं, लड़कियां न्याय अच्छी होती है, हाँ हाँ ऐसा होता है, हाँ वैसा होता है, उनको ऐसा होता है, ठीक है। नहीं वो कंपटीशन एक्ट बेटा, हाँ वो कंपटीशन एक्ट में 210 डेज ना, अप्रूवल नहीं आता तो इट्स डीम अप्रूवल आफ्टर 210 डेज। इसमें नहीं था 210, वही कॉम्पिटिशन, सीसीआई से परमिशन लेना होता ना तो वो 210 डेज। तुमको ये सब था चैप्टर, ठीक है, डिटेल क्या है, तीन तीन बार एक ही चीज रिपीट की है, डिटेल की है इसमें, ठीक है, हाँ वो भी नहीं था। नहीं 9 और 10 लिख लेने, 9 और 10 लिख दे, 11 से मत लिख चलेगा, वो सब नक्कामा वैसे भी पॉइंट्स है, बट 9 और 10 लिखेगी ना तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, 10 तक लिख दे। और 9 में तो सिर्फ इतना ही लिखा है ना कि सारे असेट्स, वो इफेक्ट है, एक मिनट प्रे करो ना, मेरा लेक्चर कैंसिल हुआ होगा, ठीक है ना। अभी तो तुम्हारा क्या है, 1 बजे 1:30 बजे तुम तो आराम से 2 बजे तक बैठ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम प्रोफेशनल हो। मैंने अभी तुम्हारी तारीफ की, तुमको बोला ना मैंने अभी कि कितने इंटेलिजेंट हो तुम लोग, ठीक है ठीक है। नहीं कल क्रॉस बॉर्डर मर्जर, अभी बता दो मेरे को क्रॉस बॉर्डर मर्जर भी था क्या पोर्शन में, ठीक है, तो कल पूरा चैप्टर खत्म करेंगे क्रॉस बॉर्डर मर्जर। ये नहीं, ये कौन करेगा, क्या टाइम क्या हुआ है, सिर्फ 12 ही नाले रुको अभी, ठीक है।
तो क्रॉस बॉर्डर मर्जर कर लेते हैं आज, मेरे को आता है ठीक है, या तो फिर एक काम करते हैं थोड़ा थोड़ा इजी वाला बाय बैक कर लेते हैं, वैसे भी नक्कामा टॉपिक है वो कर लेते हैं, क्या करना है बताओ। अच्छा पहले ये तो खत्म करते हैं ना, फिर 2 मिनट शांति रखते हैं। ये मर्जर समझा? अच्छा तो ठीक है, ये पोस्ट मर्जर इफेक्ट समझा ना, ऑल चार्जेस पेमेंट। अच्छा ये पढ़ाओ मेरे को, ये बताओ पेमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू एम्प्लॉय विल नाउ बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी, ये बताओ। नहीं ये सीएसआर नहीं है बेटा, ये सीएसआर नहीं है, प्रोविडेंट फंड देना है, ग्रेच्युटी देना है, बोनस देना है, वेजेस देना है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी किसकी हो गई, ट्रांसफर ही कंपनी का हो गया। अच्छा ये वाला मार्क करो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ठीक है, मतलब थियोरिटिकली तो ये लोगों ने थ्योरी बना दी है ठीक है, बनाने के लिए बना देते सब कुछ, फिर प्रैक्टिकली कुछ तो डिफिकल्ट। ए तुमको क्या लगता है क्या डिफिकल्टी तुमको फेस करना पड़ेगा अगर तुम कर रहे हो? ऐसा मत बोलो अब मेरे को स्कीम ड्राफ्ट करना नहीं आया तो, वो तो हाँ तो क्या हुआ, तो वो तो उसके लिए तो मर्जर कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली मर्जर करने के टाइम पे क्या डिफिकल्टी तुम फेस करोगे? वैल्यूएशन वैल्यूअर करता है, कर देता है तो वो सीएस क्या भजन करेगा, पगार क्यों लेते हैं? तुमको पूछ रही हूँ, तुम सीएस हो बेटा, अकाउंट को मैच करना। अच्छा अच्छा डॉक्यूमेंट्स बनाने का, एक्चुअली ये है कि ये बोल रहे हो तुम डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाने को आएगा हमको, तो तुम लोग सीएस बन क्यों रहे हो? उसने भी गलत ही बोला था, मैंने सिर्फ उसको वो डांटा नहीं था अलग से ठीक है, वो डांटने वाली थी ठीक है। अरे मेरे को क्या, अभी मेरे को बता, जो मेरा मेरा मेन पर्पस था मर्जर का ठीक है, वो मर्जर एक्चुअली इफेक्टिव होगा या नहीं होगा? कभी कभी मर्जर इफेक्टिव नहीं होता है, वो प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी होता है, कभी कभी फ्लॉप जाता है मर्जर। जैसे तुमको पता है सन फार्मा और रेनबैक्स का मर्जर है ना फ्लॉप गया था ठीक है, हमको क्या लगा पता है कि सन फार्मा, नहीं सच्चे में मजाक नहीं कर, हाँ, डॉक्यूमेंट बनाने में डिफिकल्टी आएगा, मैं मना नहीं कर रही हूँ, वो मैं सेकंड थॉट ही नहीं दे रही हूँ ठीक है, वो मना नहीं कर रही हूँ, और आरओसी यही बोलेगा ना ये डॉक्यूमेंट लाके दो वो डॉक्यूमेंट, तो तुम्हारा काम ही वही है, तुम अपने काम को डिफिकल्ट बोलोगे तो नहीं चलेगा ना, समझ रहे? मेन तो तुम पोस्ट मर्जर जो इफेक्ट होता है ना वो इफेक्टिव हुआ है या नहीं, वो कभी कभी ना नहीं होता है, जैसे मैंने बोला था ना सन फार्मा और रेनबैक्सी का मर्जर इफेक्टिव नहीं हुआ, और लॉजिक था, तुमको किसी को पता है लॉजिक, पता है सन फार्मा और रेनबैक्स का मर्जर इफेक्टिव क्यों नहीं हुआ? नहीं, कोविड के टाइम, हाँ, नहीं टाइम खत्म नहीं, उन्होंने सरेंडर कर दिया था। रेनबैक्स के कुछ 12 या 13 14 कुछ पेटेंट्स थे ठीक है, वो देखो उसका पहले था ना मर्जर एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, सीसीआई ने एक्सेप्ट नहीं किया, लॉजिक से एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अगर ये दो कंपनी शार्क्स है यार, दोनों कंपनी एक साथ मर्ज हो गई तो डोमिनेंट पोजीशन में आ सकता है, तो पता है सीसीआई का काम ही वही है, टू मिस अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन अगर हो रहा है तो वो एडवर्स इफेक्ट देगा किसको, कंपटीशन को, तो उसको रोकने का, तो उन लोगों ने वो मर्जर वाला जो मतलब उस दोनों का मर्जर है ना वो एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो और फिर बोला कि ठीक है, फिर वापस रेनबैक्सी ने वो मर्जर वाला स्कीम ड्राफ्ट करके भेजा, और फिर सीसीआई ने बोला ठीक है तुमको मर्ज करना है ना, तुम लोग अपना कुछ 7 या 8 पेटेंट कुछ देना वो सरेंडर कर दो, और वो जो पेटेंट है ना वो सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था ऑफ रेनबैक्सी, और वो पागल ने वो सरेंडर कर दिया। ये हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आप कैसे सरेंडर कर सकते हो जिसे सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहे, और फिर मर्ज किया, मर्ज करके क्या उखाड़ लिया, समझ रहा है ना, तो वो इफेक्टिव नहीं हुआ। सेकेंड इम्पॉसिबल, सेकेंड डिफिकल्टी आती है एम्प्लॉयज को मैनेज करने की डिफिकल्टी,
बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एम्प्लॉयज को मैनेज करना, वो लोग रिबेल ज्यादा करेंगे, स्पेशली जो ट्रांसफरी कंपनी होगी ना वो उसके एम्प्लॉयज ज्यादा रिबेल करेंगे। क्यों रिबेल करेंगे? क्योंकि उनको बहुत चेंजेस समझना पड़ेगा। और इंडिया में या किधर हर हर एक की बात करो, एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है, दे डोंट एक्सेप्ट चेंजेस। ठीक है, पहले तो ना ही बोल देंगे, नहीं हमको ये चेंज एक्सेप्ट। मैंने बोला देखो तो सही वो चेंज तुम्हारे बेनिफिट के लिए है कि नहीं। ठीक है, फिर जाके उनको थोड़ा अक्कल आएगा तो जाके वो चेंज। और हमेशा मैं बोलती हूँ ना, बी लाइक चैमिलियन। चैमिलियन समझता है तुमको? कैमिलियन बोलते हो कि चैमिलियन बोलते हो? कैमिलियन। बी लाइक कैमिलियन। क्यों? गिरगिट नहीं, अच्छे के बुरे के लिए नहीं बोल रही हो गिरगिट में ऐसे रंग बदलने के, ऐसे नहीं। गिरगिट हमेशा अपने अडेप्टिंग टू एनवायरमेंट होता है। तुम भी वही करो, अपने आप में चेंजेस, अगर चेंजेस आ रहा है ना वो एनवायरमेंट को अडेप्ट करना सीखो। और अडेप्ट करोगे ना तो ही सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तुम मानोगे नहीं ना, कोविड में कितने सारे फैकल्टीज को बहुत नेगेटिव रिव्यूज, ये वो नहीं समझ में आ रहा ये। देखो तुम्हारे, तुम लोग अपनी गलती तो कभी मानोगे नहीं कि हम लोग सो रहे थे। ठीक है, अच्छा हम क्या, हाँ एम्प्लॉयज को हैंडल करने के लिए। और एक इश्यू, एक है ना, तुम थोड़ा समझो, अगर ऑब्जेक्शन नहीं आया सेंट्रल गवर्नमेंट को, अज्यूम करो ऑब्जेक्शन नहीं आया सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो क्या होगा? अप्रूव हो जाएगा ना, मतलब आरओसी ने अगर ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट सू मोटो बेसिस पे होगा? नहीं, वो नहीं करेगा। आरओसी ने गलती कर दिया तो गलती है, जेन ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था या नहीं लिया, या तो नहीं लेना चाहिए था और ले लिया, तो फिर नहीं। हाँ ट्रिब्यूनल चेक करेगा, बट यो प्रैक्टिकल तो टाइम मेरा वेस्ट होगा ना। मेरा मेरा फास्ट ट्रैक मर्जर का इंटेंशन क्या था बेटा? टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए, तो मेरा टाइम तो वेस्ट हुआ कि नहीं होगा? तो अगर आरओसी की गलती हो गई, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना दिमाग नहीं लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ देखेगा क्या, आरओसी ने ऑब्जेक्शन दिया या ऑब्जेक्शन नहीं दिया। अगर ऑब्जेक्शन दिया तो वो आगे बढ़ा देगा, अगर ऑब्जेक्शन नहीं दिया तो वो रजिस्ट्रेशन कर देगा, तो कोई टेंशन नहीं है। ऑब्जेक्शन नहीं दिया तो, बड़ा ऑब्जेक्शन दिया तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और ऑब्जेक्शन नहीं भी मिला, नहीं मिला और सच्ची में एक्चुअली ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, कैन नॉट रिवर्ट, नहीं तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा ना, तुम समझो कि कुछ गड़बड़ है। अरे नहीं समझ रहा ना, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा। देख अभी आर्यन ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, नहीं लिया तो मैंने क्या कर दिया, मैंने अप्रूवल दे दिया, बट एक्चुअली उसको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, लेना चाहिए था, बट ए तो ए, ए। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, तो जाएगा ही नहीं। अरे बट एक्चुअली ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, तो गड़बड़ उधर हो गई ना, मतलब लॉ का कंप्लायंस नहीं हुआ इधर। तो ये सारे प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो तुमको फेस करने पड़ेंगे और वो तुमको हैंडल करना आना चाहिए। सबसे प्रॉब्लम, हाँ नहीं नहीं केस नहीं, एक मिनट, हाँ इधर बेस्ट पार्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स, बस डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, प्रोफेशनल में केस लॉ टाइप क्वेश्चंस आते ही नहीं है, ठीक आते ही नहीं है। ठीक है, हाँ क्या हुआ, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फास्ट ट्रैक मर्जर, बस सेम क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, हाँ प्रोफेशनल भी, इवन इन सेबी, इनको मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, सेबी में भी केस लॉ नहीं आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेगुलेशन नंबर 31 ऑफ एलओडीआर, व्हाट इज रेगुलेशन नंबर 27 ऑफ एलओडीआर, बस उतना ही डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इंटरनेशनल लिस्टिंग, तुमको तो है ना, व्हाट इज इंटरनेशनल लिस्टिंग, तुमको नहीं है, इनको निकल गया वो पोर्शन। कितना अच्छा चैप्टर था यार, बहुत अच्छा था ना, हाँ नैसडैक और वो निकल गया, कशक आए बर मी बर, हाँ कॉर्पोरेट फंडिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन।
सब जगह डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब हाँ ये नए न्यू सिलेबस है, हाँ ये 7 सब्जेक्ट वाले हैं, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ बट हाँ तेरे को समझा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ तो एक काम करो, मार्किंग करो, अंडरलाइन करो, और कैसे क्वेश्चन आएगा ये आएगा, डिस्पाइट ऑफ फास्ट ट्रैक मर्जर इज इनोवेटिव एंड कन्वर्टिंग इट पजेस सर्टन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, पेज नंबर 176 तुम्हारा अलग होगा पेज, ठीक है। अच्छा ये आएगा, डिस्पाइट वाला वर्ड जो है ना वो कमेंट बन जाएगा तुम्हारा, कमेंट मतलब ये ऐसा लिखेंगे और फिर क्या बोलेंगे कमेंट, तो फिर तुम लोग को ये आंसर लिखना है प्रैक्टिकल इनसाइड। पहला वाला पढ़ो, मर्जिंग ऑफ ऑथराइज कैपिटल ऑफ ऑल कंपनीज इन ट्रांसफरिंग कंपनी मे नॉट बी प्रैक्टिकली, सॉरी मे नॉट बी प्रैक्टिकली वायबल, मतलब ऑथराइज कैपिटल मर्ज करना इतना प्रैक्टिकली कभी कभी इतना पॉसिबल नहीं होता है, वैसे तो तुमको लगता है सिर्फ सम एड ही करके देना है, बट नहीं फिर उसका फीस पे करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी ऑथराइज कैपिटल बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इतना अच्छा भी कभी कभी है नहीं, तो प्रैक्टिकली वायबल नहीं है, बट ये इतना बड़ा बड़ा ये कुछ नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है, ऑथराइज कैपिटल का इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। फॉर्म INC 21 विच फाइनली रजिस्टर द स्कीम डू नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग, मतलब जब INC 28 भरने जाओगे ना तुम लोग, फॉर्म भरना पड़ता है ना लास्ट में कि हम लोग हमारा अभी कंपनी रजिस्टर्ड हो गया है, तभी इसमें है ना सेपरेट डाउन ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है फॉर सेक्शन 233, मतलब सेपरेट एक सेक्शन नहीं दिया है, 232 में ही फिर आपको भरना पड़ेगा, फिर 232 वाला भरोगे तो डिटेल्स थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, 233 का एक ड्रॉप डाउन अलग से मेन्यू नहीं है, बट ये भी इतना कुछ ज्यादा नहीं होगा क्योंकि वो लोग अभी वर्कआउट कर लेंगे और एक अलग से ड्रॉप डाउन मेन्यू डाल देंगे 233 का, ठीक है। चेंज इन द स्टेटस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, चेंज इन द स्टेटस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी मतलब कभी कभी ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी को दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग क्या बना देंगे, अभी पब्लिक कंपनी बना देंगे, तो वो पूरा प्रोसीजर वापस कन्वर्टिंग प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी करना पड़ेगा, तो ये सारे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आएंगे, ठीक है। अच्छा नीचे प्रैक्टिकल इनसाइट भी लिखा है, वो बताती हूँ, ये समझा। देर इज डाउट रिगार्डिंग वेदर द रीजनल डायरेक्टर कैन सजेस्ट द चेंज इन द स्कीम, इट अपियर्स दैट देख रीजनल डायरेक्टर मतलब सीजी डाउट आ रहा है ना, क्योंकि प्रोविजन क्या बोला है, सी आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर अगर दे देंगे ऑब्जेक्शन तो सीजी वो स्कीम को अप्रूव करेगा, तो ये डाउट आता है कि वेदर रीजनल डायरेक्टर कैन सजेस्ट एनी चेंज इन द स्कीम, रीजनल डायरेक्टर कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्योंकि ये लॉ ने क्लियर किया नहीं है, तो प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी वहां पे आ जाएगा, ठीक है। इट इज अपियर्स दैट इफ आरओसी ऑफिशियल लिक्विडेटर डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्शन, ये बोला ना मैंने, अगर आरओसी के पास क्या नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है, देन रीजनल डायरेक्टर शैल कन्फर्म विदाउट एनी सजेशन ऑन इट ओन, मतलब रीजनल डायरेक्टर क्या कर देगा, कन्फर्म कर देगा, अपना वो सजेशन दे ही नहीं सकता है क्योंकि उसके पास कोई राइट ही नहीं है सजेशन देने के लिए, मैंने बोला वो सुमोटो दे नहीं सकता है, तुमको समझ रहा है कि ये नहीं, समझा बेटा समझा। अभी ये नीचे जो है ना वापस प्रोसीजर लिखा हुआ है वो ठीक है, प्रैक्टिकल इनसाइट लिखा होगा, प्रैक्टिकल इनसाइट मतलब ये सारा और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है प्रैक्टिकली, देखो थियोरिटिकली तो ठीक है, प्रैक्टिकली एक्सेस वेदर द मर्जर इज बेनिफिशियल बिफोर एंटरिंग इनटू इट, मतलब जब भी पहले भी कभी भी मर्जर हो रहा है यू हैव टू गिव एडवाइस टू योर डायरेक्टर्स कि ये मर्जर तुमको बेनिफिट होगा या मर्जर तेरे को बेनिफिट नहीं होगा, अगर बेनिफिट होगा तो ही मर्ज करो, अदरवाइज मर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। कंडक्ट द ड्यू डेलिजेंस ऑफ द फर्म सॉट टू बी मर्ज्ड विथ, मतलब आप सामने वाले का ड्यू डेलिजेंस करो कि भैया मेरे को किसके साथ मर्ज करना है, वो भी अच्छा कंपनी है या नहीं, वरना मैं तो वैसे भी बेकार है, वो भी बेकार है, तो दो बेकार कंपनी मिलके क्या करेगा, समझ रहा है ना, तो यहाँ पे जिसके साथ मर्ज करने वाले हो ना वो पहले देखो, मतलब ये चीज क्या है, बिफोर डूइंग एवरीथिंग ये सब देखना पड़ेगा प्रैक्टिकली, ये थियोरिटिकली नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट, रिमेम्बर बोथ द कंपनीज नीड टू बी अ स्मॉल कंपनी फॉर अप्लाइंग FTM फास्ट ट्रैक मर्जर, दोनों स्मॉल कंपनी होना चाहिए, या तो फिर होल्डिंग कंपनी एंड होल्डिंग ओन सब्सिडरी कंपनी। अच्छा एक स्मॉल कंपनी हुआ, एक बिग कंपनी हुआ, लार्ज मतलब स्मॉल कंपनी नहीं हुआ, तो मैं बोली थी स्टार्टिंग में ही बोला था 232 वाला एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट,
have a prescribed timeline and strategy in a place in order to avoid undue delay. मतलब plan करो अपना strategy. 30 days में इधर से आएगा, 60 days में इधर से आएगा, मैं इतने दिन में document submit करूंगी. खुद का timeline बनाओ कि मेरे को इतने दिन में इतना complete करना है. जैसे तुम बनाते हो ना, मेरे को इतने दिन में इतना portion खत्म करना है. समझ रहा है? और लास्ट में क्या लिखा है? थिंक ऑल द पॉसिबल ऑब्जेक्शन दैट यू मे रिसीव फ्रॉम आरओसी एंड ऑलरेडी कीप द सॉल्यूशन रेडी टू सेव द टाइम. ठीक है, ये नहीं होता है ऐसा कुछ. ठीक है, पता नहीं चलेगा उधर से क्या ऑब्जेक्शन आ जाता है. ठीक है, बट फिर भी पॉसिबल जो भी ऑब्जेक्शन है ट्राई करो कि ऑब्जेक्शन हो ही नहीं. ठीक है, और अगर ऑब्जेक्शन आता है तो सॉल्यूशन रेडी भी रखा करो ताकि तुमको डीले ना हो जाए, वरना वो डीले हो जाएगा. ठीक है, और सबसे बड़ा, वो तो लिखा नहीं, बट सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा ना वो एम्प्लॉइज को हैंडल करना होगा. अच्छा, अभी बताओ, कोई डाउट है बोलो, वरना दो मिनट शांति रखो. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है बोलो. नहीं समझा, ये कॉपी करना है, कर लो. ये नहीं करना है. ये तुम्हारा कंपटीशन एक्ट हो गया ना बेटा. मैं तुमको बाद में करा दूंगी अलग से कंपटीशन. हाँ हाँ, कर देना बेटा. चलो स्टार्ट. नहीं, एसोसिएट नहीं है, सिर्फ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी. तो चलेगा, तो चलेगा, मतलब तो स्मॉल कंपनी माना जाएगा क्योंकि क्लियरली डेफिनेशन में होल्डिंग एंड सब्सिडियरी रहेगा. एसोसिएट नहीं लिखा है. हाँ हाँ, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन सेम कंपनी लॉ ही है, सेक्शन 2 क्लॉज 85. स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन है ना 2 क्लॉज 85. कल क्रॉस बॉर्डर मर्जर भाई मेरे, कल क्रॉस बॉर्डर मर्जर. ठीक है, कल क्रॉस बॉर्डर मर्जर खत्म कर देंगे फटाफट. ठीक है, फिर उसके बाद तुम बोलो, जब ही एकदम रिलैक्स हो जाओगे, इजी वाले हो गए ना, तो फिर मैं फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर चालू करूंगी. फर्स्ट एंड सेकंड टेक ओवर चालू करूं मैं, कब करूं? कल करूं चाहिए तो. नहीं, मेरे को क्रॉस बॉर्डर, एक काम करती हूं, क्रॉस बॉर्डर पहले खत्म कर देती हूं, या तो पहले टेक ओवर करूं. क्या करूं जल्दी बोलो. ठीक है, तो पहले क्रॉस बॉर्डर 33 हो गया ना, तो 34 क्रॉस बॉर्डर है, तो दो सेक्शन एक साथ हो जाएंगे. ठीक है, फिर मैं टेक ओवर चालू कर दूंगी, एक्विजिशन फर्स्ट और सेकंड चैप्टर चालू करूंगी पहले. ठीक है, वो टेक ओवर है, पूरा सेकंड चैप्टर है ना टेक ओवर है. ठीक है, उसमें कुछ भी नया है